एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में थे, आपने देखा होगा, उसके बाद कोर्ट रूम नंबर 1, जहां पे वाकई एक हिस्टोरिकल किस्म का फैसला आया है। हिस्टोरिकल यूं कि समझ नहीं आ रही, नून भी मिठाइयां बांट रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और पीटीआई भी मिठाइयां इस वक्त बांट रही है, शेर की आवाजें भी आ रही हैं और उसके साथ साथ इमरान तेरे जानेसार के आवाजें भी आ रही हैं। एक बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि 5 के 5 जजों ने यह कहा है कि एक मामला खराब है, ये जो फ्लैट्स का मामला है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये चीजें सामने आनी चाहिए। 3 जजों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता, नाअहल नहीं किया जा सकता, तहकीकात हो सकती है उनके खिलाफ जो कि उन्होंने जेआईटी बना दी है। इस जेआईटी के अंदर नैब का एक नुमाइंदा होगा, एफआईए का एक नुमाइंदा होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक नुमाइंदा होगा। और एक बहुत ही जो मायूस कुन बात है कि पहली बार किसी डिसीजन में जो कि किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, आईएसआई का एक नुमाइंदा और एमआई का एक नुमाइंदा भी रखा गया है, उनको भी स्टेक होल्डर बनाया गया है। सो ये जो डिसीजन है और ये जो कमेटी है 7 दिन के अंदर अंदर ये बनाई जाएगी, यही बेंच उसको लुक आफ्टर करेगा, सुपरवाइज करेगा और 2 महीनों के अंदर पूरी अपनी रिपोर्ट जो है इस बेंच के सामने पेश करेगी। और उसके बाद दरखास्त की है चीफ जस्टिस से कि उसके बाद अगर वो लार्जर बेंच एक बनाना चाहें या फुल बेंच उसको रखना चाहें तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करें। उम्मीद ये की जा रही थी कि ब्लैक एंड व्हाइट फैसला होगा, या नाअहल होंगे या नाअहल नहीं होंगे, लेकिन ये जो दरमियानी सूरत हाल है इस पे सभी लोग कंफ्यूज भी हैं एक तरह से। अलबत्ता 5 जजों ने इस बात के ऊपर इत्तफाक जरूर किया है कि मामला जो मेफेयर अपार्टमेंट्स का है, प्राइम मिनिस्टर के असासों का है, उसमें कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर मजीद बात करूं, ये मेरी अपनी जाती जाहिर है कि तज्जिया जो मैं वहां पे देख रही थी या कोर्ट में मैंने सुना, 540 सफात का फैसला है। एक एक पॉइंट के ऊपर जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि हमने ऑब्जर्वेशन दी है और उसको पढ़ के आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, बगैर पढ़े कमेंट ना कीजिएगा। बहरहाल उनका डिसेंडिंग नोट है, उन्होंने अपना नोट भी पढ़ के सुनाया और जो 3 जजों का फैसला फेवर में था या जेआईटी के फेवर में था वो भी उन्होंने पढ़ के सुनाया। मेरे साथ शौकत पराचा साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफी भी हैं और हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हैं, रहमान भी हैं, अजहर भी हैं। मैं बहुत एक्साइटमेंट में भी हूं और नाजरीन में काफी धूप से आई हूं इसलिए थोड़ा दिमाग भी घुमा हुआ है। सो हमारे साथ रहमान भी है और काफी इनका तबसरा आप सुन रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो मोस्ट वॉन्टेड है वो इरफान कादिर साहब है, सबक अटर्नी भी है और फैसला जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी के खिलाफ उस वक्त ये डिफेंड भी कर रहे थे, यानी उस वक्त हुकूमत के अटर्नी जनरल थे। इरफान कादिर साहब, आप क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? पहले तो मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहती हूं क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन है और मिठाइयां हर तरफ बट रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा। मैंने पहले ही कहा था कि जी फैसला जो आएगा वो कोई तारीखी फैसला नहीं आएगा और मैंने आप ही के प्रोग्राम में यह बात की थी और वो आज साबित हो गया कि कोई तारीखी फैसला ये नहीं आया, ऐसा फैसला भी नहीं आया जिसको कि 20 साल तो क्या 20 दिन भी याद रखा जाए, इस तरह का फैसला नहीं आया। और मैंने ये भी कहा था कि कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरह से डैमेज को मिनिमाइज किया जाए। ऑलरेडी ये बहुत तातुल का शिकार हो गया था फैसला और ये जज साहबान जो थे वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे, तो उस तरह से उन्होंने कोशिश ये की है कि डैमेज को मिनिमाइज करें ताकि अदलिया की जो एक साख है कि ये न्यूट्रल अदलिया है, लिहाजा 2 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए, वरना यही कोर्ट है जो कि हमेशा हर फैसला कंसेंसस के साथ होता है। और ये सवाल जरूर उठेगा कि जब पिछले वज़ीर-ए-आज़म साहब थे तो तब तो अदलिया में कंसेंसस था, आज वज़ीर-ए-आज़म दूसरे हैं तो आज कंसेंसस नहीं हो सका, तो ये भी एक चीज जो है ये तारीख में रकम हो जाएगी। और मेरा तो ख्याल ये था कि अदलिया जो है ये इस फैसले के बाद, चूंकि उन्होंने कहा था कि इस तरह का फैसला जो है वो 20 साल याद रखा जाएगा या सदियों याद रखा जाएगा, तो मेरा ख्याल था कि ये अब गौहर बन के उभरेंगे इस तूफान के समुंदर से और इस तारीख के समुंदर से, लेकिन वो गौहर नहीं बन सके। और फिर वही मिर्जा गालिब का शेर याद आता है कि दामे हर मौज में हल्का है सदका में निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। तो अफसोस यही है कि उस तारीख के समुंदर में ये जो सुप्रीम कोर्ट का कतरा था ये गौहर नहीं बन सका, गो के इन्होंने अपने आप को फेस सेविंग की कोशिश की है और मेरा ख्याल है उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट कामयाबी इसलिए हुई है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत नेचुरली रिलीव्ड होंगे कि ये केस से हमारी जान छुट गई है और सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो है अपने अपने तौर पर जैसे अपने का मिठाइयां बांट रही है, तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये
सुप्रीम कोर्ट भी जो जीत गई है इमीडिएट रिस्पांस और था, दोनों सियासी कुवतें जो है वो भी बड़ी खुश हैं। बिल्कुल अगर हारे हैं परहैप्स तो मेरा ख्याल है शायद अवाम हार गए हैं। अच्छा मैं देखते ही रहेगा कि ये जो के जो जिस हवाले से जो हमारे सामने एक सवाल है कि हम पहले बात कर रहे थे कमीशन बनने की मगर यहाँ पर जो है वो जीआईटी बनाई गई है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कमीशन की बजाय जीआईटी को प्रेफरेंस क्यों दी गई है सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान की जानिब से? अब इन्होंने शायद सारा कानून नहीं देखे, ये जीआईटी जो थी अरसलान इफ्तिखार को बचाने के लिए एक दफा एक केस में बनाई गई थी, लेकिन वो चूंकि चेयरमैन नैब के नीचे थी और उस वक्त के चेयरमैन नैब जो थे वो साबिक नेवल चीफ एडमिरल फसी बुखारी थे, वो चूंकि इंडिपेंडेंट थे तो वो जीआईटी से भी जब खतरा महसूस हुआ सुप्रीम कोर्ट को उस केस में तो फिर उन्होंने एक कमीशन बना दिया, उस वक्त के जो ओम्बड्समैन थे टैक्स ओम्बड्समैन उनका वन मैन कमीशन बना दिया फाइनली। तो जहां इनका जी करता है कमीशन बना देते हैं, जहां जी करता है जीआईटी बना देते हैं, और नैब जो कि कानूनी तौर पर इस मसले को देखना जो है वो नैब की जिम्मेदारी है, कानून में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली उस कानून की तरफ इन्होंने पता नहीं क्या उस पे क्या रीजनिंग दी है, बिकॉज मुझे पढ़ना पड़ेगा फैसला, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद नैब के शायद हो सकता है जब तफसीली फैसला पढ़े तो उसके बारे में कुछ हो। प्राची साहब हमारे साथ इस वक्त उज्मा बुखारी भी लाइन पे मौजूद है, इरफान साहब आप भी प्लीज हमारे साथ रहिएगा, उज्मा भी हमारे जी उज्मा हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं उज्मा इस फैसले को आप कैसे देख रही है, क्योंकि पीएमएलएन तो बड़ी खुश लग रही है इस वक्त। प्राची साहब आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जी? आपका जवाब दीजिए, मेरा ख्याल है लाइन कट गई जी। जी शुक्रिया। अच्छा जी 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 शुक्रिया आसमा। देखिए पहले तो परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम खुश क्यों हैं, उसकी दो तीन रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो ओपन एंड शट केस था जिसके ऊपर जो है वो तमाम तर सबूत के साथ नाकाबले तरदीद सबूत के साथ इमरान खान साहब ना अहलियत लेने गए थे वो उसमें नाकाम हुए हैं मुकम्मल तौर पर, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये वही स्टांस है जो जब ये पनामा शुरू हुआ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप एक कमीशन बना दीजिए जो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर ले, मैं उसमें जो है वो पेश होने के लिए तैयार हूँ, ये भी हमारी फतह है। फिर तीसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ जो बहुत खटक रही थी जिनके बारे में पूरा 80% केस में जोर लगाया गया बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का जाहिर है डायरेक्टली तो कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं थी। एक सेकंड आप तो उसके पर पूरा जोर लगाया कि कहीं मरियम भी फंस जाए, बिल्कुल, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो सका। मरियम बीबी को तो आपको मरियम के बचने की खुशी है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो मुकम्मल सेफ नहीं है इस सारे मामले में। उज़्मा बुखारी साहब रहमान अज़हर बात करो, तो आप ये मिठाइयां जो बट रही है ये मरियम नवाज के बचने की खुशी में बट रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मुकम्मल सेफ नहीं है, अभी 2 महीने और है। देखिए रहमान ये हमारे मौकफ की ताइद में बट रही हैं, जैसे मैंने दो तीन बातें कही, हमने तो बहुत शुरू दिन से कहा था ये कर लें, उसके ऊपर जो है वो आपको बताया लॉकडाउन भी हुआ उस वक्त मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की क्या कोशिश नहीं की गई, तो बात तो वो है कि जहां से चले थे हम वहीं आके खड़े हो गए। Exactly. जो बीच का एक इतना सारा पीरियड था जो मुल्क में इंतशार पैदा किया, फिर वो लोगों को जवाब देना चाहिए ना इस बात के ऊपर कि उन्होंने क्या गेन किया। अच्छा उज़्मा इरफान साहब भी यही कह रहे थे कि ये कौम जो है ना वो अब मजीद इस तराब का शिकार हो गई है, दोनों पार्टियां खुश हैं लेकिन कौम मुस्तरब हो गई, कब तक इस मसले से जान छूटेगी? प्राय साहब हमारे साथ हामिद खान साहब भी मुझे बताया जा रहा है कि होंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे ही होंगे तो हम दोबारा बात करते। ये हम आपका क्या ख्याल है क्योंकि ये जो चीजें हम देख रहे थे इसमें हमें लग रहा था कुछ सामने चीजें साफ आएगी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर को FIA के सामने पेश होना पड़ेगा। बाय द वे देखिए पहली बात तो जो मिठाइयां बट रही हैं दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से मिठाइयों वाला माहौल होता तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बात जरूर करते, वो चुप करके चले गए। मींस के फैसला उनकी उनकी पार्टी जो मर्जी कहे, हामिद खान साहब जो मर्जी कहें, फवाद चौधरी साहब जो मर्जी कहें। दूसरा मैं जेआईटी पे जेआईटी सुने मेरी बात सुने बाद में नोट्स ले लें। जेआईटी तो मॉडल टाउन वाले जेआईटी तो मॉडल टाउन वाले वाक्य पे बनी थी। हाँ। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। ऐसा केस है कि 14 बंदे तो मारे गए, मारने वाला कोई नहीं पता चला हमें। हाँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट चले अपने एक मौजूद जज की सरबराई में कमीशन बना देती, ये जेआईटी तो डाउनग्रेड किया गया उस चीज को, डाउनग्रेड करके डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कोई 500 जीआईटीज की रिपोर्ट रखी थी, कुरान भी सर पे उठाया था, कहाँ है वो जीआईटीज?
क्या रिपोर्ट सामने पेश आई? आप कह रहे हैं कि खू खाते चला गया ये मामला, खू खाते से भी नीचे चला गया इस सुप्रीम कोर्ट को। अब हम बात कर सकते हैं जब वर्डिक्ट या सब केस, तो हम बात कर सकते हैं, हम बात पब्लिक डॉक्यूमेंट। हामिद खान साहब हमारे साथ हैं, मैं क्विकली उनको ले लूंगा। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। खान साहब आप क्या बात कर रही हैं? जी जी आसमा बात कर रही हूँ सर, कैसे आप? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। सर ये आप बताएगा कि हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए इस फैसले के बाद, आपका क्या पहला आपका रिएक्शन क्या है इस फैसले को सुन के? मैं मायूस हो गया हूँ। एयर यू आर बड़ा मायूस कम फैसला। यस किस तरह से सर, मतलब प्राइम मिनिस्टर की फेवर में गया है? बात यह है कि फैसला जब इन्होंने कहा था कि हमने फैसला करेंगे तो फैसला दो टोक करना चाहिए था, या वो डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। अब ये क्या फैसला हुआ? एग्जैक्टली यही तो प्रे थी कि भाई इनको आप नाहिल करा दें। लेकिन सर इसका एक और एंगल भी है, इसमें अब जो कमेटी बनी है उसके अंदर ISI और MI भी शामिल है, उनको स्टेक होल्डर बना दिया गया है, एक ये तो एक मिलिट्री और सिविल रिफ्ट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही है, और रिफ्ट हो ना हो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। ये सारे अदारे अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही आते हैं, इवन ISI भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती है। हामिद खान साहब मैं शौकत प्राचा बोल रहा हूँ जी। कोर्ट ने खुद सुओ मोटो नोटिस लिया, 184(3) के अंडर ट्रायल उन्होंने समाप्त शुरू की। आप नहीं समझते कि अगर इस तरह का फैसला करना था तो कोर्ट को जरूरत क्या थी इसको टेकअप करने की? 126 दिन कोर्ट के बाहर भी ड्रामा होता रहा, शाम को हम लोग भी बैठ जाते थे, ये वक्त नहीं जाया किया गया? अगर ये फैसला तो पहले दिन ही हो सकता था, पहले दिन, बल्कि सर बेहतर फैसला पहले दिन होने जा रहा था कि जी आप जुडिशियल कमीशन बना दें। Exactly. जुडिशियल कमीशन बहुत बेहतर चीज है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज तो बैठा होगा ना, फिर वो अदारों को बुला सकता है कुछ सुप्रीम कोर्ट। जो उस वक्त मैंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दाखिल किए थे जुडिशियल कमीशन के लिए 3 नवंबर को, और उसके बाद फिर वो प्रोसीजर, वो कहीं बेहतर था बजाय इसके कि अब तो कुछ बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर आपको आगे क्या नजर आ रहा है, मतलब अब क्या सुप्रीम इस बेंच के बाद, इस कमेटी के बाद PTI का लायामल क्या हो सकता है, अपोजिशन का लायामल क्या हो सकता है? नहीं वो तो चलो वो तो पार्टी बैठ के फिर फैसला करेगी क्या रहा है, वो लायामल क्या करना। हम सब ने ये तो बात की हुई है, कमिटमेंट है कि हम जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे, अब हम कबूल करे बैठे हैं फैसला। हामिद खान साहब इजाजत से पहले एक और सवाल जानना चाह रहा हूँ कि कोर्ट 1955 का फैसला हो या आज का फैसला हो, कहा गया कि 20 साल याद रहेगा या सदियों याद रहेगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमें तो अभी 1955 वाला फैसला नहीं भूला, ये फैसला कंटिन्यूएशन में याद रखा जाएगा या अदरवाइज याद रखा जाएगा? मैं समझता हूं उस किस्म के फैसलों की ही कंटिन्यूएशन में याद रखा जाए। बहुत शुक्रिया सर, मेरा ख्याल है मुख्तसर मगर जामे। उज़्मा आसमा मुझे कुछ कहना है अब। जी उज़्मा देखिए मेरा ख्याल है कि अब आपको मुझसे सवाल करने की बजाय पता चल गया होगा कि हम क्यों खुश हैं। अब हामिद खान जैसा साहब जैसे पाए के वकील जो जो बेसिकली पिलर हैं ऑफ PTI, जिन्होंने ये किस केस को शुरू किया और उन्होंने कमीशन डिमांड किया था उस वक्त, और कमीशन बनने जा रहा था, इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया और कमीशन नहीं बनने दिया और कहा मैं नहीं मानता। अब तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि ये दूसरी तरफ की मिठाई जो है वो सिर्फ सुबकी की मिटाने के लिए है। लेकिन उज़्मा आप आपको ये भी पता है कि अब प्राइम मिनिस्टर को FIA के सामने पेश होना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ISI के नुमाइंदे MI के नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर को प्रोब करेंगे। आपको ये भी पता है कि अब उनके सारे असासों को स्टेट बैंक छानेगा और सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा एक और चीज उज़्मा मैं इसी हमारे स्टांस की जो है उसको वेरीफाई किया है, हमने यही तो कहा था पहले दिन, प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा था कि ये बना दीजिए हम वहां पेश होने के लिए तैयार हैं। और मैं समझती हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान FIA के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होंगे, इससे उनका कद काठ बढ़ेगा। और जो हमारा स्टांस है कि हम कानून की हुक्मरानी मानते हैं, हम इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है, तो वो हम साबित करके दिखाएंगे। अब काश इमरान खान साहब के भी जो पेंडिंग मामला था ये वहां भी पहुंच जाए। रहमान अच्छा मैं वही चीज पूछना चाहता हूं, देखें एक चीज अब जो कि ये JIT आई है और आप लोग शुरू से कहते रहे कि वजीर आजम का पानामा लीक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बराह रास्त इस मुकदमे में नहीं है, मगर अब जो JIT बनी है और जो पेश होने का कहा गया है तो इससे तो एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो गया है प्राइम मिनिस्टर का और पनामा की ऑफशोर कंपनीज का, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए नहीं रहमान, इसमें थोड़ा सा जो कानूनी भी इसका पस मंजर बनता है वो ये है, जो आपने सवाल बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, लेकिन मेरी इस पे गुजारिश आपके साथ ये है कि ये हमने जो जो मैंने जैसे कहा कि जो उनका ओपन एंड शट केस था, जो चीजें उन्होंने प्रेजेंट की वो तो डस्टबिन में डाल दी गई, ये तो एक फैक्ट है। हमने जो चीजें भेजी वो प्रोब मांगती हैं। आपको याद होगा आसमान कल आपके प्रोग्राम में ही कहा के तहत बहुत लिमिटेड स्कोप था सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको वो ना किसी को गवाह को बुला सकते थे, ना किसी पे जिरा हो सकती थी। जो लेटर हमने भेजा, मैंने कहा कतरी शहजादे को बुला लेते वो आ जाता, अब वो जाहिर है इसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी नहीं है, वो नहीं आ सकता था। सो अब हमारे डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसको प्रूव करने के लिए जो भी जराए इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो हम करेंगे उस जीआईटी के अंदर, और फिर आपके सामने तमाम चीजें आ जाएंगी। वैसे मॉरली जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी डिटेल में और उनके खानदान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी तो उनको स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए कि चले? और अभी मैं खैर अपोजिशन इसी के ऊपर बात करेगी कि अब चूंकि ये फैसला आ गया है इन्वेस्टिगेशन होगी तो प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें, क्या ख्याल है आपका? अखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए उनको फारिग? देखिए आसमा, ये बड़ी अजीब बात है, हमें तो इखलाक सारी दुनिया सिखाती है और बताती है। इमरान खान साहब के बारे में, उनसे इखलाक के बारे में कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। मुझे ये बताइए कि ये केस क्या इखलाक पे चल रहा था कि ये एक सियासी केस था, इसको कानून के पैरामीटर्स में लाकर एक सियासी केस लड़ा गया और उस पर पूरी तगोदो की गई। अगर ऐसी कोई बात होती तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जहां इतने बड़े वर्डिक्ट दे रही थी वहां वो कह देती कि वजीर आजम को स्टेप डाउन करना चाहिए। तो दो जजेस ने तो कह दिया ना कि स्टेप डाउन करें। देखिए आप इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं उस्मान साहब कर सकती कि बिल्कुल ही जो है वो केस दूसरी साइड पे कोई था नहीं, कोई था तो दो जस्टिस जो जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने डी नोटिफाई करने का कहा प्राइम मिनिस्टर को, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मेरा ख्याल है आप विक्ट्रीज को जरूर क्लेम करें मगर उस तरह से ना करें कि आप बिल्कुल ही जो है वो हाफ ग्लास इज फुल रहमान एंड हाफ इज एम्प्टी। अच्छा मुनीजे ने भी हमें ज्वाइन किया, मुनीजे अभी भी आप आई हो उधर से मेरे बाद आई हो तो वहां पे सूरत हाल आपने क्या देखा? अच्छा सूरत हाल आसमा ये थी कि जो इमरान खान साहब थे वो बगैर किसी बयान दिए चले गए, शफकत महमूद साहब बगैर किसी बयान दिए चले गए, नाराज अभी हामिद खान साहब ने कहा मायूस कुन फैसला। शाह महमूद साहब जो हैं वो भी बयान दिए चले गए, फिर क्या हुआ कि नून लीग के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम पीटीआई के कारकुनों का और उनके लीडरान का, फिर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, मिठाई तो मैं मिठाई वो लेके आए थे खाते रह गए क्योंकि हम साफी हमने मना कर उन्होंने बांटी, फिर हम मिठाई नहीं खाते। नून लीग के काफी समझ नहीं आ रही थी कि किसकी तरफ से खाई जाए, समझ नहीं आ रही थी। और अगर आप वहां पे एक उनका भटकता हुआ लीडर मेरे पास आ गया पीटीआई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या समझे आप, खुश हैं आप? कहते नहीं जी हम खुश तो हैं। मैंने कहा इजहार क्यों नहीं कर रहे आप खुशी का? तो उन्होंने कहा कि ये जो 540 पेजेस का पूरा है फैसला वो अभी इस वक्त बनीगाला में क्या हो रहा है कि बनीगाला में उन्होंने अपने सारे वकीलों को बुला लिया है और वो बैठ के 540 पेजेस पढ़ेंगे। पहले वहां पे ब्लॉकेड्स हैं बनीगाला की तरफ। हम पीटीआई को, बाय द वे अपने व्यूअर्स के लिए, हम पीटीआई के तमाम लीडरान को इस वक्त जो रहनुमा है उनको हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी मीटिंग कॉल कर ली गई है। उज़्मा बहरहाल पीएमएलएन के से हमारे साथ मौजूद है इसलिए ये बताना ज्यादा जरूरी है कि पीटीआई क्यों नहीं है हमारे साथ। एक लीडरान खान साहब आए थे मगर प्रोड्यूसर्स को नहीं, उन्होंने बहुत वाज़ेह तरीके कह दिया कि मायूस होंगे कि फैसल जावेद को जरूर फोन डायल कर लें क्योंकि वो पीछे रह गए हैं मेरा ख्याल है, तो उनसे अगर बात हो जाए। मगर वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह उज़्मा ने कहा ना कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी हाफ फुल, तो दोनों उसको इस तरीके से ही देखेंगे। मगर अगर आप फैसले को देखें तो तीन जजेस ने यह फैसला किया है कि 60 दिन के अंदर हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएंगे और 7 दिन के अंदर उन अदारों ने अपने लोगों को नामजद करना है जिसको जिन्होंने इनकी तहकीकात करनी है। मगर इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आसमा, वो हमें देखना चाहिए, वो ये है कि अगर इन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करना है तो इनको पैनमा जाना पड़ेगा। अब पैनमा का जो पैनमा के जो अपने रूल्स है ना वो ये हैं, या किसी भी ऐसे मुल्क के रूल्स ये होते हैं कि आपको एक बेसिक तहकीकात अपने मुल्क में करनी पड़ती है और उसकी बुनियाद के ऊपर ही आप दरख्वास्त भेज सकते हैं कि आप मजीद काम हो सके। सुने रहमान अदर, नहीं मगर पैनमा भी जाना पड़ेगा। सुने 11 कंट्रीज हैं जो इस केस में आते हैं, ये जेआईटी जब बनेगी कहा तो गया ना कि 2 महीने में तहकीकात करें, ये 11 ममालिक
मालिक वो जहाज पकड़ के एक से सुने जैसे हसन वसीम अफजल कभी जाया करता था ना उधर, नहीं रुलते नहीं जाके टैक्स पेयर्स की मनी पे ये लोग अयाशी करते हैं। हसन वसीम अफजल जिस वक्त एहतसाब कमीशन का उसके एहतसाब रहमान के साथ था ये हर दूसरे दिन लंदन जाते थे। याद आपको ये जो केस की बात कर रहा हूं मैं इसी जमीन में सवाल के जो चीजें बीबी के खिलाफ सैफुररहमान ने की या जिस तरह से होती रही अब वक्त जो है उसने लाके खड़ा कर दिया पीएमएलएन को और उसी तरह की जो तफसीलात और हैं वो जाहिर है आपके खिलाफ भी आपके आपकी मतलब प्राइम मिनिस्टर उनके साहबजादी उनके बच्चों के खिलाफ होगा सारा इन्वेस्टिगेट। तो ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इससे आपको लगता है वाकई मजबूत होगी? देखिए आसमा ने आप जो बीबी के केसेस की बात कर रही हैं वो टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो है और उसमें बच्चों बच्चों का ट्रायल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था वो एक टोटल आपको मालूम है कि जरदारी साहब और बीबी का तो हुआ इस मुल्क में एहतसाब जो है इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही तो होता है और इस मुल्क में एहतसाब होता किसको है मुझे ये बताइए कि अब आज मुझे कहना पड़ेगा कि इस पनामा के केस के अंदर एक जज साहब का भी नाम आया हुआ है जो हमारे जो बहुत सारी और मुल्कों के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत सारे पता नहीं किन जराए से किन किन लोगों के जन्म मुशरफ मतलब उसका आप देखिए कि उसकी उसकी जराए आमदनी और उसका वो क्या है इधर सेनेट के चेयरमैन का जवाब नहीं आ रहा तो सिर्फ पॉपुलर लीडर्स का होता है तो सही बात है पॉपुलर लीडर उज़्मा बुखारी साहिबा आपने दुरुस्त कहा कि पॉलिटिशियंस का एहतसाब होता है। मैं थोड़ा ऐड कर दूं इस मुल्क में एहतसाब होता है पीपल्स पार्टी का होता है एएनपी का होता है एमकेएम का होता है ये जो इस तरह की पार्टीज हैं सिर्फ एहतसाब उनका होता है अदालतें उन्हीं को सजाई देती हैं अदालतें उन्हीं को फांसी लगाती हैं अदालतों के फैसलों के बगैर 11 साल तक वो लोग जेलों में रहते हैं है। ये तो मजाक हो गया। मैं वो मायूसी का इजहार कर रहे थे अहमद खान साहब पीटीआई जिस वक्त इतने मायूस है देखिए सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि कोई फैसला आएगा पूरी कौम इंतजार कर रही थी अदालती कमीशन से भी डाउनग्रेड करके उसको जेआईटी पे आ गया और 11 मुल्कों में जेआईटी जाएगी। पनामा के साथ पेपर एक्सचेंज का कोई एग्रीमेंट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही जमात इस्लामी के सरबरा अभी कह रहे थे कि आज अवाम जीत गए और करप्शन हार गई पता नहीं कैसे अवाम जीत गई पता नहीं कैसे करप्शन हार गई मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा ये मतलब प्राचा साहब का ये कहना था आसमा हाँ कहना यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर यानी आप खुद डिमांड करते थे तलाल चौधरी का सुबह भी चलाया हमने स्टेटमेंट के भी ब्लैक एंड व्हाइट ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो ग्रे ही ग्रे है सारा कुछ तो ब्लैक है ये। और दूसरा क्या आप नहीं समझती कि ये क्या जजों को ये करना चाहिए था कि एमआई को और आईएसआई को अंदर इसके इन्वॉल्व करके स्टेक होल्डर बनाते ये किस किस्म का फैसला आया? देखिए आसमा मुझे इसके पहले तो मैं प्राचा साहब की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि ये तो नहीं है कि किसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो केसेस नहीं बने। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो मुशर्रफ ने भी केस बनाए उनका ट्रायल तो जो है वो उस दौर के अंदर भी हुआ। सो ये कहना कि सिर्फ उनका होता रहा और इनका नहीं हुआ वो अलहदा बात है कि उनपे करप्शन के चार्जेस ज्यादा लगते रहे जाहिर है उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होती रही। सो ये अजीब सा मुकाबला है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन जो आपका सवाल है मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मुझे बताया गया है जाहिर है मैंने तो फैसला नहीं पड़ा मुझे बताया गया है कि एमआई जो है उसका नाम गलत लिया जा रहा है। ये शायद जो फेडरल एजेंसियां हैं हमारी रेवेन्यू बोर्ड वगैरह की SIIB उसकी शायद बात हो रही है। नहीं 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 हम लोग कोर्ट के अंदर थे हम दोनों कोर्ट के अंदर थे। एमआई का एक एहलकार और आईएसआई का एक एहलकार दोनों को नामजद किया गया है कि वो जाके इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये तो जस्टिस खोसा ने खुद फैसल जावेद हमारे साथ है पीटीआई के। अब हमने कह जो दिया है मुनीजे कि हमने एक फैसला मानना है तो हम मान रहे हैं उसमें जिसको मर्जी बिठा दे अगर हाथ साफ है तो साफ है ना। अच्छा फैसल से हमारा रब्ता मुनकता हो गया। लेकिन ये बात जो के रहमान हो रही है कि मतलब इसको हर पर्सपेक्टिव अब तो फैसला आ गया इसलिए हम बात कर सकते हैं ओपनली। 540 सफात हैं बाय द वे एक एक चीज के बारे में वो कह रहे हैं कि जैसे खोसा के हमने डिटेल फैसला लिखा है डिटेल चीजें लिखी है उसको पढ़ के फैसला करना है। देखें ये कानूनी फैसला है और मेरा ख्याल है इसको सियासत के तौर पर जो है इसको अभी जो ये जो हम देख रहे हैं ये नी जर्क रिएक्शन है पीएमएलएन की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी
और ये क्योंकि हम पहले से बात कर रहे थे, कानूनी मामला है, ये अदालतों के अंदर के मामले, तो इस फैसले को अभी थोड़ा वक्त दें। अलबत्ता दो तीन चीजें हैं जो कि डिटेल में किस तरह से वजीर आजम को इनक्रिमिनेट किए, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी जज ने यह नहीं कहा कि वजीर आजम की मनी ट्रेल एस्टेब्लिश होगी, किसी जज ने यह नहीं कहा कि वो सादिक और अमीन जो है वो साबित हुए हैं। दो जजेस ने जरूर कहा है कि उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। एक मिनट जरा मेरी बात जरा सुन लीजिएगा, मुझे मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, मैंने कहा अपनी पूरी बात कर लूं। तो ये अभी बड़ा डिटेल्ड फैसला है, डिटेल्ड फैसला 540 सफात ये आना है, इसके बाद पता चलेगा कि इसके नुकात क्या है। दूसरी जो चीज है, जेआईटी बनेगी 7 दिन के अंदर, हर 2 हफ्ते बाद जो है वो जेआईटी जो है वो बेंच को रिपोर्ट करेगी, 60 दिन के अंदर जो है वो फैसला करेगी। पनामा इशू अभी मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये इशू अभी खत्म नहीं हुआ, exactly, ये दो चाहती थी इससे जान छुड़ाए, मगर ये 2 महीने और चलेगा, 2 महीने ये जेआईटी के सामने चलेगा। अब आपकी तवक्कोआत कुछ हो सकती है जेआईटी से, वो एक अलग चीज है, अलग बहस है, मगर डिटेल फैसला आने दे। डिटेल फैसले में बहुत सारी चीजें होंगी, कतरी लेटर, मिस स्टेटमेंट, मिस डिक्लेरेशन, आर्टिकल 66 के हवाले से देखिए, इंतजार करना, देखिए बात सुने। पहली बात तो ये है कि ये महज कानूनी फैसला नहीं है, ना महज कानूनी केस है। अगर दिन में 35 पॉलिटिशियन सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेज में आगे बोलते थे या आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री वॉल बोलते थे तो ये सारा पॉलिटिकल स्टेक था उस पे। नंबर टू, जो आप कह रही ना कंफ्यूजन और कयास, एक साइड ने तो कह दिया ना कि हम मायूस हैं, एक साइड ने कह दिया कि हमारे लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं है इस फैसले में। इसमें अरबी खान सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मजीद सामने, आपको 4 बजे जरदारी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 बजे वजीर आजम का, 7 बजे वजीर आजम खिताब करेंगे, 4 बजे जरदारी साहब और खान साहब। एक आर्ग्यूमेंट मैंने आपको दिया, 4 बजे उनकी मीटिंग है, अगर पीटीआई अगर इमरान खान खुश होते तो बगैर बोले सुप्रीम कोर्ट से नहीं जाते। Exactly. सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट सुनने ना, अभी सुनने, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था इमरान खान का एक अपना मिजाज है, वो खुल के बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहते थे डिसीजन जो नहीं आया। फैसला किया हुआ था लीडरशिप ने कि फौरी तौर पर जो है वो रिएक्शन आउटसाइड, अरे भाई अगर वजीर आजम नायल हो जाते तो मीटिंग में फैसला हुआ था, मगर ये फैसला लग रहा है पूरा खत्म ही नहीं हुआ था। और आप भी थी कोर्ट रूम में, मैं भी थी, आपने देखा था कि किस तरह पीएमएलएन के जो मुख्तलिफ वुजरा थे एक दूसरे को आके हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, और इस साइड वाला हमेशा आपको पता है पीटीआई राइट साइड पे बैठती है, नून लीग हमारे साथ लाहौर में भी मौजूद है। मैं आप ही की तरफ आ रही थी, नहीं आप इनके स्टेटमेंट देखिए ना, शेख रशीद साहब कब से तबूत मांग रहे हैं, वो तबूत में क्या, वो खाली तबूत तो नहीं ले जाना चाह रहे थे, वो शेख रशीद से ले जाना चाह रहे थे, कि बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो ओपन एंड शट केस था, मुबारकबाद भी आपको मालूम है एक लम्हे पर दी जा चुकी है कौम को कि बस सब साबित हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, तो फिर जाहिर है उनके पास क्या है कहने के लिए जो वो कहते हैं, लेकिन जो भी वो कहेंगे अब दोबारा सुनेंगे हम। और लेकिन ये है कि जो मैंने पहले कहा कि हमने जहां से बात शुरू हुई थी, जहां हमने छोड़ी थी, जो लेटर लिखा था, बात वहीं आके खड़ी हो गई है, और इस बात को समझने की जरूरत है कि जेआईटी भी गवर्नमेंट बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी जेआईटी बनाई, सो ये कॉन्फिडेंस और ये ट्रस्ट जो है ये मौजूद है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद जेआईटी बनाएगी, और जेआईटी बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर के अंडर उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ये जेआईटी बनेगी। लेकिन जो दो लोग उन्होंने नॉमिनेट किए, ये एक डीजीआईएसआई ने उनको नॉमिनेट करना है और दूसरे को डीजीएमआई ने, तो वो दो जो है ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये करने के लिए आए हैं। मगर मुझे तो क्योस ज्यादा दिखाई देता है अगले 60 दिनों के अंदर, क्योंकि जब इस तरह की चीजें आएंगी सामने, और जब अभी तो डॉन लीक्स का मामला नहीं खत्म हो रहा, इसके अंदर सिविल मिलिट्री देखिए, जो मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, प्राचा साहब अपनी बात कर ले, क्योस से मतलब है कन्फ्रंटेशन, क्या धरने से ज्यादा कन्फ्रंटेशन आएगी? देखिए ना, कन्फ्रंटेशन, स्ट्रीट एजिटेशन, जलसे जलूस सारे हो गए, अगर ये लास्ट होप थी, जैसे हम कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी साथ आती है Exactly. तो फिर उसमें गर्मा गर्मी आएगी। मुनीजा नहीं, आसमा देखें, अब जो केस चलेगा ना वो ये चलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई कि नहीं हुई, इसके पर तहकीकात बकायदा तौर पे होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल प्रूव हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है, तो जो मियां साहब के वकील हैं वो जाएंगे फिर से उस मुतलका कोर्ट के अंदर, हाँ। जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात फिर से शुरू होगी,
सो आप अब जो कि यही कोर्ट आप ये नहीं देख रहे कि 60 दिन के बाद मामला खत्म हो जाएंगे, 60 दिन के बाद तहकीकात मजीद उसके मुतलक कोर्ट के अंदर शुरू होगी, उसमें हेयरिंग शुरू हो जाएगी, हेयरिंग शुरू हो जाएगी, उसको हर चीज का तौर तरीका होता है कि अगर आपको पसंद आए ना पसंद आए, आप जल्दी वर्डिक्ट चाहते हैं, देर से चाहते हैं, मगर उसको उसको बकायदा से जाना चाहिए। सुने, अगर मनी लॉन्ड्रिंग खोलनी होती तो अल तौफीक केस, हुदैबिया पेपर मिल वाला केस है, रीओपन कर देते, आपने नैब चेयरमैन को बेदत किया खड़े होकर, ये बात है। यानी हम जो मुमकिनात से, मैं उसमें आपके पास इसके ऊपर लूंगी क्योंकि रहमान का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो बात कर रहे थे कि जी नैब का चेयरमैन फारिग हो सकता है, इसके अंदर हुदैबिया पेपर मिल जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेप्ट की हुई हुई है, रीओपन कर देते, वो रीओपन कर देते, ऐसा कुछ भी। देखिए, तवक्कुआत एक चीज होती है और तवक्कुआत के बाद जो असल, मैंने कहा कि क्योंकि ये पराचा साहब ने भी जैसे बोला, ये सियासी केस था और सियासत जब होती है तो वो फिर तवक्कुआत पीटीआई के भी लोगों की हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम पर थी, पीएमएलएन वालों की थी, वो भी ये कह रहे थे कि बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी, तो तवक्कुआत होना एक और चीज है। जो फैसला है वो कानूनी फैसला है, ये जो नैब की और एफबीआर की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं इस पर बहुत ज्यादा मेरा नहीं है, मगर ये कि मुझे जहां तक लगा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में नहीं आता कि नैब के चेयरमैन को वो फारिग कर दें, या सुप्रीम कोर्ट ये लिख दे नैब का चेयरमैन इज नो मोर, या एफबीआर के चेयरमैन, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आती है चीजें। अदालत इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर दे सकती है, एक मॉरल प्रेशर जरूर है, कोर्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो डीजीएफआई है अपना काम करने में, व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात करने में नाकाम रहे हैं, चेयरमैन नैब हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अब ये उनके ऊपर मॉरल प्रेशर है कि वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं या नहीं रहते, रहेंगे क्यों उज़्मा, आपके ख्याल में उनको फिर अगेन मॉरल क्वेश्चन है, उनको उनको तो एटलीस्ट जाने देना चाहिए, आपको अगर वज़ीरे आज़म नहीं जाते उनको तो जाने देना चाहिए। देखिए आसमा, ये तो अब डिसीजन पढ़ने के बाद पता चलेगा, जैसे आपने कहा ये टेन्योर पोस्ट्स हैं और ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ये जाहिर गवर्नमेंट होती है, हो सकता है उन्होंने सजेस्ट किया हुआ हो, जब इनकी बात की है और कहा है कि ये नाकाम हो गए हैं तो उन्होंने कोई सजेशन दिया हो, तो वो लेट्स सी, वो देखने डायरेक्शन आज जो कानूनी तौर पर वैलिड है वो ये है कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि वो किसी डॉक्यूमेंट को चेक कर सके, वो किसी गवाह को बुला सके, वो किसी को इन्वेस्टिगेट कर सके। सो अल्टीमेटली यही होना था जो उन्होंने पहले दिन कहा, इमरान खान को ऑफर किया, उन्होंने कहा कि कमीशन बना देते हैं, इमरान खान साहब ने प्रेयर अपने प्रेयर में लिखा हुआ है कि कमीशन बना दिया जाए। नफीसा शाह साहब हमारे साथ यूट्यूब में बात कर रहे हैं, कहा कि हम नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, नफीसा शाह साहिबा रुकने कौमी असेंबली है पीपल्स पार्टी की, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। जी वालेकुम सलाम। मैं तो रिएक्शन ही पूछ रही हूँ इस वक्त, पीपल्स पार्टी का रिएक्शन 4 बजे जरदारी साहब लेके आएंगे कौम के सामने, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है, और जाहिर है कि पार्टी का भी ऑलमोस्ट वही होगा जो आपका रिएक्शन। देखिए, हमारी पार्टी तो शुरू से ही इस प्रोसेस में इसलिए नहीं थी कि इट वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन के कोर्ट जो है वो जो सियासी पब्लिक में जो ओपिनियन है वो मैं बताती हूँ कि कोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कुछ और कुछ फैसला आता है और नून के लिए कुछ और ये ट्रांसफर और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योरली अबाउट पॉलिटिक्स कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई एक चिट्ठी के ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया जाता है, लेकिन हाउस ऑफ शरीफ जो है वो इतना शायद पावरफुल है कि उसके लिए कुछ और कवानीन होते हैं या उनके रद्द अमल कुछ और होता है। लेकिन ये बात मैं इस पे अभी एक मैं सुन रही थी कोई पैनलिस्ट से, इन्वेस्टिगेशन का इशू नहीं था, इशू ये था और आपने देखा कि पार्लियामेंट ने खुद ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को होल्ड किया था इन कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ और बयान दिया था, कोर्ट में कुछ और बयान दिया था, और क्वेश्चन ये नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर का एविडेंस है या नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोर्ट के आगे सच बोला है या नहीं बोला है, और दैट वॉज इजिली द इंटायर वर्ल्ड नोज के ये ताजाद एक खुला ताजा था। बैर के अब क्योंकि ये जजमेंट आया है, अब मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट अब मूव करेगा From the legal perspective to the political perspective. अब देखते हैं कि opposition इस पे मिल बैठ कर कोई रद्द अमल इसको accept करके business as usual होता है, election की तरफ जाते हैं, मेरा जो अपना जाती बिल्कुल जाती, क्योंकि पार्टी की हमारी मीटिंग नहीं हुई है,
मेरा ये सिर्फ सवाल है कि क्या कोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक 19 ग्रेड का अफसर जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो उसको अपॉइंट करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या उसके खिलाफ कोई बात हो सकती है? कैन इट बी अ फेयर एंड इम्पार्शियल जेआईटी? तो ये देखिए, पब्लिक इस वक्त हर चीज देख रही है। इस जेआईटी में इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले ही मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम यही सवाल पूछेगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर को अखलाकी तौर पे यहाँ होना चाहिए कि उसके अंडर वाली एक इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सो देर इज अ मॉरल क्वेश्चन एंड देर इज अ पोलिटिकल क्वेश्चन। अच्छा, ओवर टू नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑपोजिशन। और आपको लगता है कि अपोजिशन इकट्ठी बैठ सकेगी? क्योंकि जो मेरे जराए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इसके बाद पीटीआई प्लान कर रही है कि वो मुजाहरे करेंगे जरदारी साहब के खिलाफ। सो आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो फिर वो इकट्ठे बैठ सकेंगे? देखिए, सोलो फ्लाइट से सियासत नहीं होती। सियासत इज प्राइमरीली, और हमने ये बीबी से सीखा है, हमारे को चेयरमैन से सीखा है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अलायंसेस। अगर हम पब्लिक ओपिनियन इस वक्त जो मेरे ख्याल से काफी एहसास से महरूमी होगा लोगों में कि ये किस किस्म की जजमेंट है, अगर उस ओपिनियन को हमने मोबिलाइज किया और जॉइंटली जी नफीसा, मैं मुनीजे बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल करना है कि देखिए, पहले भी धरने होते रहे हैं, जलसे होते रहे हैं, मगर सवाल उठा है कि कौन उन जलसों को और धरनों को लीड करेगा? अगर इमरान खान साहब पहले मैदान के अंदर आ जाते हैं और आप बाद में आते हैं तो फिर एक परसेप्शन जाती है कि इमरान खान साहब जॉइंट ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं। तो इस बार बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड टू टेक टू द स्ट्रीट्स, क्या आप लोग मिल बैठ के, कोई आप लोगों का है मिजाज कि आप मिल बैठ के कंसल्ट करेंगे एक दूसरे को एट द टॉप लीडरशिप लेवल के क्या करना है? देखिए, मैं कोई आई विल नॉट जंप द गन, हमारी पार्टी जरूर मिल बैठ के फैसले करेंगे कि इसकी क्या है। मैं जनरली एज अ पार्टी वर्कर मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो यही है कि ये क्या हुआ कि निकला खौदा पहाड़ निकला चूहा, और खैर ये तो तवक्को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक जो मौकफ था वो एस्टेब्लिश हो गया है। वी हैव बीन विंडिकेटेड कि ये जो हम कोर्ट के ये क्योंकि अब पोलिटिकल क्वेश्चन है, अब ये और ऑपोजिशन की उसमें है। कई तारीख में ऐसे मौके आए हैं कि ग्रैंड अलायंसेस बनी है और इससे ये कोई भी सवाल नहीं आया कि कौन इसको लीड करेगा, कौन नहीं लीड करेगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा प्राइम मिनिस्टर या ऐसा घराना जो मुस्तकिल झूठ बोलता रहा है, और न सिर्फ झूठ, तो चलो पनामा, जो बड़ा झूठ उन्होंने आवाम से बोला, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज सड़क पे एहतजाज बैठ के करूँ कि लोग जो है इतने तंग हैं, 8 से 10 घंटे, 15 से 20 घंटे, खाजा साहब कह रहे हैं 7 महीने लगेंगे, झूठ बोल बिजली आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पर बिल्कुल आपकी बात सही है। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट टू द पीपल एंड देयर इज, मेरे अपने हलके में कोई ऐसा गांव नहीं है इस वक्त 47 डिग्री। हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। न गैस है, न बिजली है, न पानी। बिल्कुल, ये चीज को हम क्या जवाब दें? नफीसा, आप हमारे साथ रहेगा। मैं ये सवाल जो है उज़्मा आपके पास लेके आऊंगी। फैसला ऐसा आ गया है, गर्मी भी बहुत आ गई है, लोड शेडिंग भी दबा के है, होने क्या लगा है? लेकिन हमारे साथ जनरल एजाज अवान है, और ये जो सवाल दो लोगों का आ रहा है कि को जजमेंट के अंदर जो कहा गया है क्या ऐसा है और एमआई के नुमाइंदे होंगे, इस पे उनसे बात करती हूँ। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसमान। जनरल साहब, ये जो आप वर्डिक्ट आया है इस पे आप एक तो अपना तज्जिया पेश कीजिए और दूसरा उस पर्सपेक्टिव के साथ पेश कीजिए कि इसके अंदर अब दो मिलिट्री के लोग जो है वो प्रोब करेंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच आसमा। मेरे नजदीक ये फैसला जो आया है इसमें जो पॉलिटिकल लाइफ 60 दिन की मिली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मैं इसे कहूंगा मजीद रुसवाई के 60 दिन और मिल गए हैं, क्योंकि वो खुद और उनके बच्चे और खानदान पेश होंगे इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। ये हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से कि वो जाती तौर पर पेश होने के पाबंद हैं। तो ये जो रुसवाई का सफर चल रहा था और सुबह शाम हम मीडिया पे देखते थे, अब ये मजीद 60 दिन जारी रहेगा। फिर दो जजेस का ये कहना कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनको नाअहल करार दे दिया जाए,
तीन ने भी उन्हें एग्जोनरेट नहीं किया है। उन्होंने कहा ये ऐसी उनकी एक सियासी मैं कहूंगा कि सियासी तौर पे उन पर ऐसी मोहर साबित हो रही है, लिहाजा उनको एक सफाई का मौका और दे दिया जाए कि वो मनी ट्रेल पेश करें जो वो पहले आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सके। कतरी खत को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। अच्छा जज साहब, वाई जो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वन फ्रॉम ISI एंड अदर वन फ्रॉम MI, क्यों, क्या उनको कंट्रोवर्शियल मतलब मिलिट्री को कंट्रोवर्शियल बनाने की जगह नहीं मिलेगी अगर इस तरह की कोई इंक्वायरी आती है? उनको स्टेक होल्डर क्यों बनाया गया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ये एक तरफ तो वो ये समझा जाता है कि जो तीन अदारे इन दो के अलावा हैं उनको शायद प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस कर लें क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आते हैं, तो अगर उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो उनके ऊपर वॉच डॉग के तौर पे ISI और MI के दो रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इस लेवल पर मेरा जाती अंदाजा ये है कि MI की तरफ से एक ब्रिगेडियर साहब होंगे और ISI की तरफ से एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर होगा जो इसका हिस्सा बनेंगे केस की अहमियत को देखते हुए। जी। अगर ऐसा होता है तो ये एक दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ काट सकती है। एक तरफ तो रुसवाई में इन दोनों अदारों का भी हिस्सा आ जाएगा अगर वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो वो तीन अदारे जो इनके अलावा है उनकी साख तो पहले ही मशकूक है। अगर इन दो को भी बीच में डाल दिया जाए, सर ये डॉन लीक्स वाला, सर डॉन लीक्स वाला मामला हल नहीं हो रहा, ये एक और ऊपर से आ जाएगा तो ये तो फिर क्योस ही होगा ना। ये तो फिर सिर्फ अपोजिशन नाराज नहीं होगी, ये तो फिर इदारे भी नाराज होंगे। ऑलरेडी रिफ्ट चल रही है, आपको पता है ये डॉन लीक्स के हवाले से, तो ये कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत जो क्लॉज डाली गई है, अगर तो ये वॉच डॉग डिलीवर नहीं करते ये भी उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं और पॉलिटिकल खेल जो इस मुल्क खेला जा रहा है उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो इनकी साख भी बहुत डैमेज होगी। और अगर ये उसको कर देते हैं और ये अपना असर रसूख यूज करते हैं और अपनी मनी ट्रेल को निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये एक ऐसा मजबूत फैसला आ जाएगा जिस पे कोई जैसा आप हमारे साथ रहेगा। जैसा प्लीज थोड़ी देर हमारे साथ रहे, मैं उज्मा से यही सवाल करना चाह रही हूँ। उज्मा, आपको नहीं लगता कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर शुरू हुई है, ये इग्नोर किया जा सकता है इस बात को? देखिए आसमा, मैं समझती हूँ जनरल साहब से बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बार 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 रुसवाई का लफ्ज बोल रहे हैं, वो रुसवाई रुसवाई। एक अवामी आदमी, एक अवामी नुमाइंदा जो वोट लेके आता है वो पॉइंटी नहीं होता और वो कहता है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, उसको पेश होने में कोई रुसवाई नहीं है। रुसवाई उन लोगों के लिए है कि जिनके अपने इंसाफ के मयार अलहदा है, उनकी तो कभी कोई चीज बाहर ही नहीं आती, वो रुसवाई से बचते हैं। सो ये रुसवाइयां जो हैं, ये दुनिया की दुनियावी रुसवाइयां, ये मेरा ख्याल है इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन करने जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी कि जो जिनके मैकेनिज्म ही अलग है, जिनकी बात बाहर ही नहीं आनी, वो अंदर ही अंदर खुद ही अपने डर्टी लिनन जो है वो धो के साफ करके पारसा बन जाते हैं। सो ये बात आप ना करें तो बेहतर है। दूसरी बात मैं नफीसा की दो तीन बातों को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूं। जो नफीसा ने भी अभी वो पता नहीं वो बहुत एक जज्बाती से तकरीर की, वो कह रही हैं कि लोड शेडिंग बहुत है, हमें वो जो है वो करना चाहिए। नफीसा जो है उनको पिछली गवर्नमेंट में ये ख्याल क्यों नहीं आया जब ये पिछली गवर्नमेंट ने अगर जो खाली जहाज बगैर जो है वो काम किए, जो पोर्ट्स पे खड़े रहे, जो रेंटल पावर केस है वो मेरा ख्याल है ये याद होना चाहिए। हमने तो जो किया है वो नजर आ रहा है, हाइडल आएगी जब इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर और हमारे पावर प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो रहे हैं, मई जून के अंदर दोबारा हम कोई 3000 के करीब जो है वो ये बिजली आएगी, फिर इनको बताएंगे ये चंद दिनों की। एक्चुअली पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है, वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन तैयार हो जाते हैं, कभी वो TOR बनाने के लिए भी हाथ पैर जोड़ते हैं लेकिन वो दूसरे साहब जो है वो इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए करप्शन पे लेक्चर हमें ना दिया करें। अच्छा नफीसा, आप हमारे साथ हैं, ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे आता है। वैसे मुशर्रफ साहब के जमाने में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी आखिरी जो दिन थे, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम आता है कि लोड शेडिंग उनके जमाने में बड़ी और अब वो उसी के खिलाफ एहतजाज करें। ये भी पूछ लीजिए कि इनका इनपुट क्या है एज सूबाई हुकूमत, इनके पास भी तो ये इख्तियार है ना, इन्होंने कितने मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल किया वो बताइए। जी नफीसा,
मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे भी रहते हैं, ये जवाब जरूर दे दे, लेकिन टॉपिक पे भी रहते हैं जो इस वक्त कोर्ट के अंदर जो फैसला आया उसके हवाले से। लेकिन नफीसा शायद हमारे साथ नहीं है इस वक्त। बहरहाल ये जो बात हो रही है प्राची साहब, उनके पास जवाब नहीं है, वो इसलिए नहीं है। अच्छा, जनेस साहब है हमारे साथ, वो जरदारी साहब ने कल बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया। उन्होंने कहा मैं तो सिंध से इलेक्शन लड़के जो है वो मैं पंजाब फतह करूंगा, तो पंजाब से इलेक्शन लड़े, मेरी मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी एमएनए का नहीं एमपीए का इलेक्शन लड़ ले पंजाब से। अच्छा, ये तो पीपल्स पार्टी हो तो ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। ये चीज उस्मान साहब, बल्कि मैं जनरल साहब आपकी भी राय इस पे चाहूंगा, क्या ये पीएमएलएन के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? अब ये दो महीने पनामा वाला और इशू चलेगा, तो ये तो इससे जान छुड़ाना चाहते थे कि खत्म हो जाए इशू, सेटल हो जाए जो भी इस पर, क्योंकि आगे इलेक्शन में इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा जितना ये लंबा इशू चलेगा। जनरल साहब पहले आपकी राय, फिर उस्मान आप, मैं चाहता हूँ आप भी जरा इस पर कॉमेंट कर दें। देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि मजीद मुश्किल होगी, क्योंकि अगर दो जज साहबान ये कहते हैं कि ना वो सादिक हैं ना अमीन हैं, दूसरे लफ्जों में वो झूठे हैं और बददयानत हैं, दो जजेस ने ये कह दिया है और तीन ने कहा है जी ये फैसला करने से पहले इनकी मजीद तहकीकात कर ली जाए, तो अगर इन्वेस्टिगेशन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, उनके मातहत अदारों के पांच अफसर, उनकी और उनके पूरे खानदान की तहकीक कर रहे होंगे, तो ये कहां मूजब इज्जत है और कहां मूजब वकार है? तो इस फैसले के बाद मैं समझता हूं मॉरल अथॉरिटी रखने के लिए उनको चाहिए वो ओहदे से अलग हो जाएं और अपने आप को पेश करें ताकि शफाफ इंक्वायरी हो सके और ये हो सके। तो अब इसके तहत अगर कोई समझता है कि उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है तो इज्जत के मेयार शायद अलग अलग होंगे। यही मेरे ख्याल है कि जन साहब यही सबसे बड़ा सवाल है जो कि आप उठा रहे हैं, और अपोजिशन इसी को लेके आगे चलेगी कि अगर ये इतने बड़े एलिगेशन अब लगा, अब तो साफ मतलब एलिगेशन लगाए नहीं, अब तो कोर्ट ने क्या कराना चाहिए कि भाई डिसऑनेस्टी है। जब ये केस सुना जा रहा था तो जस्टिस खोसा ने एक रिमार्क दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम सादिक और अमीन के ऊपर चलना शुरू कर दें तो पूरी असेंबली खाली हो जाएगी सिवाय सिराजुल हक साहब के। उसके बाद सिराजुल हक साहब ने एक मुजाहरा भी किया और फिर अगले दिन जस्टिस खोसा साहब ने अपने रिमार्क्स वापस ले लिए। अगर आप ये सादिक और अमीन वाले क्लॉज को इन्वोक करेंगे और फिर एक पंडोराज बॉक्स खुलेगा और सब पूछेंगे कि हमारे जितने भी सियासतदान जो फेक डिग्रियों पे अपनी और तरीकों से अपनी मुलाजमत ना छोड़े हुए बन गए हैं नेशनल असेंबली के मेंबर, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे सादिक और अमीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त पूरी एक्टिविटी है, चार्ज्ड इस्लामाबाद चल रहा है, शाहराए दस्तूर के ऊपर भी रश है, बनी गाला की तरफ भी बहुत रश है, जरदारी हाउस पर भी बहुत रश है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करेंगे 7 बजे। अभी जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मिला जुला रद्दअमल था, यानी वो मुबारकबाद भी पेश कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस्तीफा दे दें। उनके स्टांस के ऊपर उन्होंने इस तरह का स्टांस लिया कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, लेकिन जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खुल के सामने आई है, पूरा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, अवाम के साथ मजाक किया गया, उनका यह कहना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत करता हूं यह भी उनका कहना था, दो जजों का फैसला जो है वो सही फैसला है, और एतजाज साहब ने भी यही बात की कि दो जजों का फैसला ही असल फैसला है। अब सूरत हाल ये कि फैसला जो तफसीली है वो आ चुका है, तमाम सहाफियों को भी आ चुका है और हम पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्राची साहब पढ़ चुके हैं इसलिए पहले मैं उनकी तरफ जाऊंगी। प्राची साहब, ये जो 540 सफात का फैसला आया है, आपको क्या लगा है इसमें? एक मरियो प्यूजो को तो उन्होंने कह दिया, जो भी उनका नाम है, कोई शायर है बहुत बड़े, मैं नज्म सुनूंगी, मुसन्निफ़ ये मैं भी रहमान ने चूंकि किताब पढ़ी हुई है तो मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले आप फैसला सुना दें। देखिए, फैसला तो खैर डिटेल्ड 540 सफ़े मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैंने इस ड्यूरेशन में पढ़ लिए, लेकिन मोर और लेस जो कोर्ट ने सब आर्ग्यूमेंट्स अपने फैसले का हिस्सा बनाए, स्पेशली जो कंक्लूडिंग जो JIT बनी है उस पर उन्होंने तफसीलन उस पर बात अपने फैसले में लिखी है कि सीनियर ऑफिसर का जिक्र किया गया, जैसे जनरल साहब आपके पिछले सेगमेंट में बता रहे थे कि शायद एक मेजर जनरल आप पारे से हो, ISI से, और एक ब्रिगेडियर MI से हो जाएं, कोर्ट ने रैंक नहीं लिखे बट सीनियर ऑफिसर्स लिखे हैं, इन तमाम इदारों के सीनियर ऑफिसर्स लिखे हैं और फोर्टनाइटली रिपोर्ट मांगी है अपने फैसले में।
अहम चीज ये है, फोर्टनाइटली कमेटी की वो कॉन्स्टिट्यूशन मांगी, वो उनको उनको नहीं ये भी मांगा है, रिपोर्ट भी करेगी ये जो जीआईटी है वो बेंच को, बेंच को ये नहीं है कि सात दिन में रिपोर्ट करेंगे और 60 दिन का टाइम मांगा है उन्होंने। लेकिन जो अभी एतजाज अहसन बात कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने तो कहा है कि ये जीआईटी की तश्कील नवाज शरीफ को फरार का रास्ता देने के मुतरादिफ है। मैं फिर कहूँगा पॉलिटिकल केस था, पॉलिटिकल जारगन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इसमें, और आपने खुद कहा कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर कन्फ्यूजन का शिकार थी, सिराज उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उससे भी कन्फ्यूजन का शिकार थी, वो कह रहे हैं कि हाँ हम तो बड़े खुश हैं आज करप्शन का, कहाँ हार गई करप्शन। देखे ना जो बात है कि 60 दिन में ये जब कमेटी के सामने अगर पेश हो भी गए वजीर आजम तो पता क्या नारा होगा कि देखें हमने कानून के सामने अपने आप को सबमिट किया है, जैसे हम बार बार अदालतों के सामने सबमिट करते रहे, एक कानून की पासदारी करने का एक नारा लगेगा। इसमें ये नहीं है वो जो रुसवाई की बात कर रहे थे जनरल साहब, हालांकि ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि रुसवाई में इजाफा होगा, अगर 126 दिन में वहां बातें होती रही और किसी ने उसको रुसवाई के मीनिंग में नहीं लिया तो अगले 60 दिनों में किस तरह से उसको उस चीज को रुसवाई के मीनिंग में लिया जाता है। अच्छा ये जो नॉवल की आपने पढ़ा है चूंकि रहमान, तो उसके रेफरेंस में उन्होंने इसको फैमिली माफिया करार दिया है। ये बड़े मशहूर जमाना किताब है और हाँ, लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट हैं वो अच्छा, उन्होंने रशीद साहब हमारे साथ हैं अच्छा, तो मैं अब जाहिर है उनको, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आप क्या कहेंगे इस फैसले को, कितना स्वीट है और कितना स्मार्ट है, शॉर्ट तो ये नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बुरा फैसला है, मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ अब उज़ैर बलोच की तरह जीआईटी में पेश होगा, वहाँ एस आई ए का डायरेक्टर होगा और वहाँ आई एस आई का एक ब्रिगेडियर होगा, क्या इसकी इज्जत रह गई है? और जिन दो जजों ने फैसला दिया, तीन जजों ने क्यों उससे ये नहीं कहा था, पांच के पांच जजों ने ये इतराब किया है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और इनकी दुबई मिल और इनकी अजीजिया मिल, उन सब की ट्रांसफर अपनी मनी और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब सवालिया निशान है। और ये 60 दिन की जो सुई लटकाई है, ये जाहिर है ये इसमें बजट देंगे और कई बातें करेंगे, मेरे ख्याल में ये फैसला विन विन सिचुएशन है और नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस बात पे मिठाई बांट रहे हैं। दो जिन चीफ जस्टिसों ने वेटिंग लिस्ट पे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा ये डिस्क्वालीफाई है, दो तीन जूनियर जजेस ने कहा है कि जनाब इनको 1-7 दिन का मौका और दो, सो इतना ही डिफरेंस है। दो जो मुस्तकबिल के जजेस हैं चीफ जस्टिस उन्होंने कहा ये डिस्क्वालीफाई है, तीन जूनियर जजेस ने कहा इनको 60 दिन का और। अच्छा शेख साहब मुझे एक चीज बताइए, अब ये आप वहां पे ऐसा लगा जैसे पीएमएलएन वाले फॉरन जो है वो आए, उन्होंने कहा ये तो हम तो जीत गए, हमारी फतह होगी, मगर जो पिटिशनर्स थे वो ऐसा लगा जैसे वो चुपके से निकल लिए वहां से सारे, वहां पर किसी ने बात नहीं की, सिर्फ आवाज इमरान इस्माइल, मैं तो खान के साथ था, हम तो लायर एक्सपर्ट नहीं है ना इतने, हमने तो जाहिर है लोगों से डिस्कस करते, मेरे ख्याल में ये फैसला नवाज शरीफ के लिए और मसाइल में इजाफा करेगा, कमी नहीं करेगा। अच्छा शेख साहब मगर एक बात है, जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट आया है वो दैट इज मोर क्लियर देन खान साहब स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि मायूस कुन है, मजम्मत करता हूँ उस फैसले की और ये फैसला काबिल कबूल नहीं है, जबकि जरदारी साहब इस फैसले में फरीक नहीं बने। मैं खुद चल के गया एतजाज अहसन साहब के पास, उन्होंने मुझे तैयारी तो कराई लेकिन खुद उन्होंने कहा जब तक मुझे आसिफ जरदारी नहीं कहेगा मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, सो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, वो अब सियासत करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं आसिफ जरदारी पंजाब में, इमरान खान की मौजूदगी में मेरा ख्याल है अभी उनका मसला बहुत पीछे है और वो अगर कोई बड़े जोरदार लोगों को जो शामिल करना चाह रहे हैं पीपुल्स पार्टी में तो लेट्स वेट एंड सी, लेकिन मेरे ख्याल में ये फैसला जो है ये बड़ा ही अच्छा। शेख साहब इसमें दो मिलिट्री के लोग भी होंगे, आईएसआई के भी एक नुमाइंदा होंगे और एमआई के भी, आपको नहीं लगता कि उनको स्टेक होल्डर बनाने से एक तरह से उनके ऊपर कंट्रोवर्शियल उनको बनाया जा सकता है? दो इदारों मसला ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा और अभी मुझे किसी ने कहा, मैंने पूरा बयान ही कहा था हुदैबिया पेपर का भी तो फैसला पढ़ के किया जा सकता है, लेकिन ये फैसला कोई इतनी मिठाई बांटने वाला नहीं है नवाज शरीफ साहब, ये आपके फैसला गले भी पड़ सकता है,
और इसमें आपने पेश होना है, आपकी औलाद ने पेश होना है, क्या इसकी इज्जत होगी वजीर आजम की। मगर शेख साहब आपकी जो अपनी पिटीशन थी उसमें आपकी जो प्रेयर थी, जो आपकी अगर मैं पिटीशन की बात करूं तो वो थी डिस्क्वालिफिकेशन की 62/63 की। अब उस पर दो जजेस ने तो लिखा है मगर बाकी तीन जजेस ने जो है वो उसको रद्द कर दिया। वो कहते हैं सफाई देने का मौका दे दिया जाए। तो सर इसको आपका इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि जहरी बात है वो तो ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम बच गए। वो मैं तो JIT में पेश होऊंगा जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब ने भी अभी तक इसको इस फैसले की मजम्मत नहीं की है, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि अब प्राइम मिनिस्टर को बार बार अपने खानदान के साथ पेश होना पड़ेगा, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बात हो रही थी ना नावल की, वो आप जो है बड़ी मशहूर किताब है लिटरेचर के यहाँ स्टूडेंट ने देखी हुई है, और वो सारी की सारी जो डील करती है उससे ज्यादा मशहूर फिल्म है ये, तीन तीन किताबें तो सारी के सारी डील करती है कि किस तरह माफिया जो बिजनेस है और जो फैमिलीज माफिया फैमिलीज हैं वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं। जस्टिस साहब का ये उनका स्टाइल है, ये उनका स्टाइल है, इससे पहले भी वो इसका हवाला दे चुके हैं, और खलील जिब्रान की जॉन डन की पोएट्री का भी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मगर ये कि क्योंकि ये फैसला बड़ा आम है और इसमें जो है वो इशारतन कोई ऐसी बात कहना ये बहुत ज्यादा मानी रखता है। अब जहां तक आप पीपल्स पार्टी वाली बात करें, मेरे ख्याल में शेख साहब की बात से एग्री करता हूं, पीपल्स पार्टी का इस मामले में स्टेक नहीं है। एक तो अब आए हैं, बड़ी देर कर दी, मैं मुझे पता है पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो इस पर अक्सर नाराज होते हैं, मगर पीपल्स पार्टी को अगर पनामा केस का इशू, पनामा इशू का हिस्सा बनना था तो इन्हें पहले आना चाहिए था, पहले ये बाहर निकलते। अब ये सिर्फ जो है वो गिरे हुए बेर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे शेख साहब ने कहा कि आप एग्री करते रहे वो सिर्फ अपनी सियासत के लिए भाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी फ्रॉम द डे वेरी क्लियर थी। आज वर्डिक्ट आया, आसिफ जरदारी ने एक महीना पहले कहा था कि इनके वकला ने केस हार दिए। पीपल्स पार्टी जिस कोर्स पे चलना चाह रही थी वो था पार्लियामेंट वाला। अब तो पार्लियामेंट आई है ना दरमियान में, अगर पार्लियामेंट में PTI साथ बैठती, शेख रशीद साहब साथ बैठते, जमात इस्लामी साथ बैठते, ये वहां से कोई बिल करवाते। जुडिशियल कमीशन जब धांधली वाला बना तो एक बिल आया था, कानून था। अभी तो जब ये कहा गया कि जी अदालत तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, अगर उस बिल में किसी लॉ के अंडर अदालत में ये ट्रायल होता तो कोई ना कोई पार्लियामेंट केसेस द वे वो चेयरमैन सेनेट होते हैं, वो कहते हैं मुझे जवाब नहीं मिलते, जो पार्लियामेंट के अंदर मुझे समझ नहीं आती पार्टी किस तरह से इस इशू को आगे ले जा सकती है। होल्ड द प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल इन द पार्लियामेंट, आपने अभी जो कुछ किया पार्लियामेंट के अंदर ही किया ना। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इसको टेकअप करेगी, और पार्लियामेंट लेकिन चूंकि मेजोरिटी एज द वे PMLN की मेजोरिटी है तो नॉट ऑपोजिशन कैन नॉट हैव अब तो कोर्ट ने कर दिया ना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर पीपल्स पार्टी जब कह रही थी कि इसको पार्लियामेंट की कमेटीज के सामने लेके आए, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिट करवा देती ना, कि वो जो 80 की दिहाई का ऑडिट आप निकाले और उसके ऊपर बात करें, ये चले फिर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अलावा भी कमेटी। मैं वैसे मेरे ख्याल है कि इसका जो वाइट फोरम था वो सुप्रीम कोर्ट था, पब्लिक अकाउंट्स और सुप्रीम कोर्ट ऐसा फोरम था जहां ये दोनों फ्रिवलेस करके क्यों कमेटी सुने, सेक्रेटरी को बुलाती है 22 ग्रेड को, इधर तो 18वें ग्रेड का अफसर आ जाएगा, मैक्सिमम 19 का आ जाएगा। देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि SACP का चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन है या FBR का चेयरमैन, उन्होंने कहा कि सीनियर नुमाइंदा, अभी मैं पढ़ी रही थी, उन्होंने ग्रेड मुकरर किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ग्रेड मुकरर नहीं किया, मैंने ये उन्होंने ग्रेड मुकरर किया है। देखें वर्ड जो है ना उसमें वर्ड लिखे हैं सीजन या सीनियर ऑफिसर, चले जो भी हो, कैसे वो जो कहते हैं तलाशी अब शुरू हुई है तो तलाशी या प्राइम मिनिस्टर के घर से जब शुरू होगी तो फिर जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क के वजीर आजम के लिए मुनासिब बात तो नहीं है कि वो अपनी FIA के सामने पेश हो जाए, और फिर उसके बाद कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हम बुलाएंगे। मगर देखिए, हमें जो आज बॉडी लैंग्वेज लगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आप जो मर्जी कह दें वो तो जाने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि अभी तक ही इज नॉट गिल्टी अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। वो तो इस गिल्टी अभी नहीं किया, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन शेख साहब की थी कि 60 दिन में उनको टाइम दिया गया। हाँ, तो अब आपने धरने पहले हो गए, जलसे पहले हो गए, जिस तरह पराचा साहब ने कहा, बुहरान भी पहले बन गया, मगर वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया। अब तहकीकात जो होगी, हमने आपको उसको बता दिया कि उसका तरीका तौर तरीका क्या होगा, ये हफ्तों महीनों सालों में भी जा सकती है ये तहकीकात। तो इट्स नॉट एन ओपन एंड शट के इसके 60 दिन के अंदर आपका कोई और फैसला आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
तो फिर मसला सिर्फ ये है कि अगर ये चीज लैग करती है तो आप आराम से 2018 के इलेक्शन तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, बीच में से इन्होंने कहना है कि जी बिजली का जो बोरान है वो हम आपको ठीक करके दे देंगे। और मैं आपको बताऊं जो इस वक्त मियां साहब का फोकस है वो ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से बिजली के बोरान के ऊपर ही है। आखिरी अगर आप उनकी दो मीटिंग देख लें, बिल्कुल सही, नैप नेशनल एक्शन प्लान का जनाजा निकला हुआ है, वो ये समझते हैं, नून लीग समझती है कि अगर मुकम्मल कर लूं कि बिजली के बोहरान को वो ठीक अगर कर लेंगे तो वो अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। वो ये समझते हैं कि पैनामा का केस जो है वो जो आम लोग देख रहे हैं उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये उनकी ये वो अगर आप उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं बकायदा तौर पे, ठीक है, लेकिन बिजली का बोहरान तो नहीं लगता कि ये सब नहीं, बिजली के बोहरान के अलावा अगर मैं इस केस के हवाले से बात करूं, आई थिंक पीटीआई को कल तक जो माहौल था ना, कल तक जो माहौल था वो ये था कि ज्यादातर मीडिया के लोग और पीएमएलएन के लोग और इवन पीटीआई के भी कुछ लोग जो थे वो कहते पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। तो मेरा ख्याल है दो जजेस का ये लिख देना तो पीटीआई को जो है वो उससे ज्यादा मिल गया है जो वो उसकी तवक्को कर रहे थे। अगरचे उनकी प्रेयर, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी प्रेयर ये थी कि डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए, मगर इस फैसले के अंदर बहुत कुछ है। पीटीआई को अब दो महीने तक और ये इशू चलाना है। जितना आप भी ये बात कर रही थी सुबह की, पीटीआई चाहती थी कि ये इशू जो है वो लंबा चले, क्योंकि पनामा पे जितनी ज्यादा बात होगी उतना ज्यादा पीएमएलएन के लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि ये वो इशू है जिस पर इनके पास डिफेंस नहीं है। इन्होंने डिफेंस जो लाने की कोशिश की वो डिफेंस साबित नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के पास सियासी तौर पर इस फैसले में बहुत कुछ है, इमरान खान के पास भी बहुत कुछ है। आप एक कैलकुलेटेड रिस्पांस अभी देख रहे हैं। नीजर्क रिएक्शन पीएमएलएन का ये है कि वजीर आजम आज बच गए, बिल्कुल ये नीजर्क रिएक्शन है, मगर आगे नायलियत से तो बच गए, लेकिन 60 दिन के बाद अगर सर्वाइव द रेड है। वैसे आपको लगता है कि ये ऑफशोर कंपनी वालों की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है प्रैक्टिकली? डू यू थिंक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? ना बात सुने, मैंने पहले भी गुजारिश की, 11 मुल्क हैं, दुनिया भर के बैंक्स हैं, और जैसे मनीजे कह रही हैं कि 60 दिन में ये नहीं होता। दूसरा, आपने आपके पास फोटोकॉपियों पे नहीं चलता काम, फोटोकॉपियों पे चलना होता तो सुप्रीम कोर्ट कर देती, आपको सर्टिफाइड कॉपी होती है वो चाहिए आपको, वो कहाँ से मिलेगी? पनामा के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। अमरीका बहादुर सारा रिकॉर्ड उठा के अपने मुल्क में चला ले गया। दो बंदे ये पनामा वाले अरेस्ट हुए हैं, वो क्या जेल में बैठ के आपको कागज़ देंगे? आपके पास एविडेंस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हो सकी, आपके पास एविडेंस नहीं है जो कमीशन के सामने प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल। फिर एक और भी इंटरेस्टिंग बात है रहमान अदर साहब कि हुसैन और हसन को भी कहा गया, रिस्पोंडेंट 7 और 8 और रिस्पोंडेंट नंबर 1 वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज तो माशाल्लाह बड़ी आराम से बच गई है, ना कोई जिक्र है, ना कोई उनका नाम है, ना उनसे कुछ पूछा। ये क्या चक्कर है? ये मैं आपसे आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि उनको डिपेंडेंट जाहिर कर दिया था, और वो बेनिफिशियल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को डिपेंडेंट जाहिर कर दिया था, जिसकी वजह दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग सारा और हुसैन को भी डिपेंडेंट एक्ट्स में वो नहीं निकले। देखिए सारा केस बना रहे थे, नहीं नहीं कोर्ट में भी हमारे कुछ एंकर दोस्त भी रोजाना रात को उनका इंटरव्यू सुनाते थे बैठ के टेलीफोन वाला, उनका जिक्र ही नहीं है। इट मींस वो बिल्कुल सेफ हैं। मियां साहब या हसन साहब या हुसैन साहब अगर उनके खिलाफ कुछ होता भी है फॉर एग्जांपल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मगर ये एक मामला जो इस पे मेरी समझ में आती है वो ये कि इनहेरिटेंस जो बिजनेस की थी दुबई जद्दा, उसके बाद कतरी फैमिली, और कतरी फैमिली के बाद पोते तक जो है वो पैसे आना, उसके उस पूरी ट्रेल में पीएमएलएन ने भी या पीटीआई ने जो है वो मरियम नवाज का जिक्र नहीं किया। मरियम नवाज का जहां पर जिक्र आया था वो फ्लैट्स और ऑफशोर कंपनीज की है, फ्लैट्स के ओनर की हैसियत से नहीं। नेल्सन कंपनी का बार बार कहा गया कि उनकी है, दूसरी कंपनी बार बार ऑफशोर कंपनी रिजेक्ट कर दिया गया ना, वो पेपर इन्होंने जब रिजेक्ट कर दिए, जब वो पेपर्स लेके आए उनका के जी ये इनके सिग्नेचर्स हैं, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स ने जाके उसको रिजेक्ट कर दिया, उनका ये पेपर्स ही फॉर्ज्ड है। ये देखिए ये जो चीज है ना, अगर ये बात बिल्कुल वैलिड है कि अगर मरियम
साहिबा को वो शामिल कर सकते थे, कोर्ट है ना, कोर्ट के पास इख्तियार था, कोर्ट कह सकती थी कि ये कि शी इज द रिस्पोंडेंट उनके ऑफशोर कंपनीज की. उन्होंने कहा, बल्कि जस्टिस खोसा जो डिसेंडिंग नोट पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि ये कंपनियां किसकी हैं, कैसे आई, हामिद जासिम जो है उसके कैसे. मेरा अपना ख्याल है, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, मगर जो चूंकि मैंने अटेंड करके हम लीगल एक्सपर्ट ले सकते हैं, मुझे ये लगता है कि ये कोर्ट दे वर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि पूरा जो पब्लिक है वो आपको देख रहा है, तो वो इस किस्म की इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज में नहीं जाना चाह रहे, जहां से वो लीगली अपने आप को जस्टिफाई कर सकते. ये पूरी चीज ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, लीगली तो जस्टिफाई कहीं ना कहीं करना है सारा, आपने लीगली तो जस्टिफाई करना है ना, ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं चलेगा. 126 दिनों में कम अज कम 55 डेज तो मरियम का नाम लिया जाता रहा, केस ये था, बेनिफिशियरी वो है, केस ये था कि डिपेंडेंट की डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का नाम तो पनामा में कहीं नहीं है. वो मेरा ख्याल है जजमेंट पड़ी नहीं है, इस हवाले से हो सकता है जिक्र हो, इस हवाले से हो सकता है जजमेंट में जिक्र हो या जजेस की क्या. अरे भाई ऑर्डर क्लियर है, उसमें नहीं है उनका नाम, रेस्पोंडेंट 1, रेस्पोंडेंट 7, रेस्पोंडेंट 8 नाम लिए हुए हैं. 1 मीन वजीर आजम, 7-8 मीन उनके सन्स. वो सीधी अच्छा हमारे साथ पीपल्स पार्टी के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलीम मांडवीवाला साहब. जी जी उनसे हम बात करते हैं. जी सलाम अलैकुम मांडवीवाला साहब. सलाम अलैकुम आसमा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं सर? बस क्या वो हमारी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो जी, उसमें रिएक्शन तो आपका आ गया है बिल्कुल, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये पनामा की तहकीकात कैसे होंगी, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं. ये तो नहीं होंगी जी, ये नहीं होंगी. ये JIT जो है ये रिजेक्ट कर दी गई है, PTI ने भी रिजेक्ट कर दी है, पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और कोई JIT एक्सेप्ट करेगा ये जो JIT प्रपोज की गई है. आपको लगता है कि ये जो अब JIT जगह जगह जाके कागज इकट्ठे कर, और दो जो सीनियर जजों ने डिसीजन लिया है कि इनको रिजाइन करना चाहिए, उस डिसीजन को हम सपोर्ट करते हैं और हम यही डिमांड करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, पार्लियामेंट में भी, सेनेट में भी और हर फोरम के ऊपर. लेकिन सलीम साहब ये जो असल जो मसला है वो तो पनामा पेपर्स, अब जो इन्वेस्टिगेशन होनी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, नैब है, ये तो सारे कॉन्ट्रोवर्शियल इदारे हो गए, FIA भी, नैब भी और चीफ एग्जीक्यूटिव. मैडम आपको मैं यही कह रहा हूँ कि ये JIT इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती और इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती, वेरी सिंपल. तो अब जस्ट डिलेइंग, दिस इज जस्ट डिलेइंग टैक्टिक्स, नथिंग एल्स. तो आपको क्या लगता है कि ये जो 60 दिन के बाद फिर जो JIT आएगी उसमें क्या होगा, मतलब ढूंढ के क्या निकाला जाएगा आपके ख्याल? ये JIT बनेगी ही नहीं मैडम, ये बनेगी ही नहीं. अच्छा ये नहीं, मगर सलीम साहब कैसे हो सकता है कि वो बने ना, इसलिए चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, बल्कि यहाँ तक उन्होंने उसके पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, उन्होंने ये डिस्कस किए कि किस ओहदे पे ऑफिशियल्स आएंगे. लीगल लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि क्या हम इस पे लीगली इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो आपको 2-3 दिन में उसके बारे में पता चलेगा. आपके लीगल ऑप्शंस क्या हैं? आपने कहा लीगली आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, क्या आप इसका पनामा प्रोब का आप एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या लीगल ऑप्शंस आप हुए जी? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि इसमें तो अभी सिर्फ हम दो ही पार्टीज ने ये स्टेटमेंट दिया है, मगर आप देखेंगे इसमें और पार्टीज भी ज्वाइन करेंगी और पॉलिटिकली हम इसको अपोज करेंगे और जो पॉलिटिकल कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर को डिमांड किया जाएगा कि वो स्टेप डाउन करें जब तक के उनकी इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, बट इस वक्त डिमांड जो है ही हैज टू स्टेप डाउन. लेकिन वो स्टेप डाउन आपके ख्याल में क्यों करेंगे, मतलब इतने बड़े धरने उनको स्टेप डाउन नहीं करा सके? ना करें वो स्टेप डाउन, बट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल डिमांड इन द पार्लियामेंट दैट ही शुड. अच्छा मैं मांडवीवाला साहब एक चीज मुझे जरा वजाहत कीजिए. अच्छा, आप लोग पहले ये कहते थे कि इमरान खान, जब वो इमरान खान ने इस्तीफा, हमारे साथ फिरोग नसीम साहब हैं उनसे हम बात करते हैं. शुक्रिया सलीम साहब, दोबारा हम आपको करते हैं और आई एम श्योर के रहमान ले लेंगे, उनसे बात दोबारा कर सकेंगे. फिरोग नसीम साहब हमारे साथ है. फिरोग नसीम साहब, ये पॉलिटिकल डिसीजन जो कह रहे हैं लोग, ये क्यों इसको पॉलिटिकल कह रहे हैं और ये कितना क्रिटिकल है इस गवर्नमेंट के लिए आपके ख्याल में? फैसले के बाद आपका क्या, एज अ लॉयर, एज अ बहुत ही मशहूर लॉयर, क्या ख्याल है इसके बारे में? जी थैंक यू वेरी मच. देखिए ये एक, इसको कहा जाता है इंटरिम ऑर्डर.
हुक्म इम्तनाई, ये इंटरिम ऑर्डर है, ये अभी फाइनल फैसला नहीं है। दो जज हजरात ने तो फाइनल फैसला दे दिया अपना, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला है एक्चुअली वो अदालत का फैसला माना जाता है। तो जो अदालत का फैसला है वो ये है कि ये एक हुक्म इम्तनाई है, एक इंटरिम ऑर्डर है, जिसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है जो हर 14 दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा और 60 दिन के बाद एक फाइनल रिपोर्ट देगा, जिसके बाद दोनों फरीकैन अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और फिर दोबारा से आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे दोनों तरफ से और उसके बाद फाइनल फैसला आएगा। रहमान दोबारा से, अच्छा मैं ये क्योंकि फरोग नसीम साहब अब ये मामला जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 60 दिन के बाद जो है एक फाइनल रिपोर्ट आएगी, इसमें क्या अब ये अपील वाले प्रोसेस से किस तरह से मुख्तलिफ होगा अब जो पहले जो 184 वाला था, और क्या या फिर ये उसी की कंटिन्यूएशन है जो आप कह रहे हैं? और दूसरा जो एक सवाल मैंने पहले भी पूछा कि जुडिशियल कमीशन की बजाय जेआईटी की प्रेफरेंस आपको यहां पर क्यों नजर आती है? ये दो चीजें। पहली बात तो ये कि वही केस अभी अलाइव है, वो केस उसका फाइनल फैसला नहीं आया, तो यानी वही केस का कंटिन्यूएशन है और वही केस अभी फाइनल फैसला होगा जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और जब दोनों फरीकैन दलाइल देंगे उसके बाद फाइनल फैसला आएगा। ठीक है। जहां तक कि आपका दूसरा सवाल है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जुडिशियल कमीशन नहीं बना और उसकी जगह जेआईटी बन गई। मेरे ख्याल में वजह ये थी कि जज साहबान ने शायद ये समझा होगा कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब होंगे तो उनके पास इस तरह इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टीज नहीं होगी, और ये इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टीज के लिए उन्होंने कमीशन एज सच नहीं बनाई है, जुडिशियल कमीशन नहीं बनाई है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाई है जिसको अपने हाथ में ही रखा है, और वो इंक्वायरी कमीशन को वो मॉनिटर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उनकी हुक्म की तामील हो रही है और वो सही प्रोग्रेस कर रही है और फाइनल रिपोर्ट आती है और उसके बाद। अच्छा फिरोज साहब, पराचा साहब भी हमारे साथ है, मैं एक सवाल कर लूं फिर वो जिमनी सवाल आपसे कर लेंगे। ये क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर जेआईटी बनती है नॉर्मली, इसमें कैसे बन सकती है? इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस या उस तरह की कोई चीज तो नहीं है? ठीक है जनाब, देखिए जेआईटी का मतलब है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीआरपीसी के तहत या क्रिमिनल लॉ में जेआईटी बनाई जाए। ये दरअसल एक इंक्वायरी करने के लिए एक जेआईटी बनाई गई है, चाहे वो इंक्वायरी फाइनेंशियल ट्रेल लेने के लिए हो या सिविल मुकदमे के लिए हो। मिसाल के तौर पर जैसे रोजाना सिविल केसेस फाइल होते हैं कि फलाना कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो अप्रूव प्लान है बिल्डिंग अथॉरिटी का, उसके खिलाफ है, तो एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जाती है, वो जाके इंस्पेक्ट करती है बिल्डिंग को, प्लान देखती है, उसके बाद सबमिट करती है, उसमें एक जेआईटी भी बन सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जेआईटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में बनाए। बिल्कुल। साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? नसीम साहब, शौकत प्राचा बोल रहा हूँ। जी जी, बड़ा अच्छा लगा आपके कमेंट से, थोड़ी सी चीज वाजे हुई मुझे कम अज कम कि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है जैसा आप फरमा रहे हैं, ये अभी इंटरिम है और जेआईटी जब अपना काम मुकम्मल करेगी तो ये फाइनल होगा। थोड़ा सा ये भी समझा दें, आज किसी ने मिठाई बांटी और दूसरों ने भी वेलकम किया, मेरे जैसे एक कानून से ज्यादा वाकिफ नहीं है हम लोग, मेरे जैसे नादरीन जो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं, वाकई वजीर आजम को और नून लीग को आज खुश होना चाहिए क्योंकि प्रे मांगी गई थी वजीर आजम की नाहली की, वो आज नहीं हुई। आप इसको मेरे जैसे बंदे के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरे ख्याल में अगर तो वजीर आजम साहब का कैंप खुशियां मना रहा है तो शायद इल एडवाइज्ड है, और अगर इमरान खान साहब के यहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है तो वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दोनों फरीकैन को मैं एडवाइस दे दूं कि जो ये अब जेआईटी जो बनी है एक्चुअली किस लिए बनी है? वो इसलिए बनी है कि पीटीआई की जो वकला थे वो एक्चुअली जो भी एविडेंस लेके आए उसको कनेक्ट नहीं कर पाए अदालत के सामने, और अदालत पे छोड़ दिया कि आप खुद कनेक्ट करें। जहां तक कि मियां साहब की जो कैंप था तो उसने भी एविडेंस इस तरह नहीं दी, तो लिहाजा ये दोनों फरीकैन को एक और चांस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि दोनों फरीकैन जो हैं अपने दिमाग लड़ाएं, अपने एक्सपर्ट्स
को कंसल्ट करें, पीटीआई वाले अपनी तरफ से डॉट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें, मियां साहब वाले सही जस्टिफिकेशन इसकी दें. तो ये अभी ओपन है, ये बिल्कुल ओपन है, ओपन एंड मतलब किसी तरफ भी ये जा सकता है दो ढाई महीने के बाद. अच्छा, थैंक यू सो मच फिरोज साहब. हमें इरफान कादर साहब ने भी दोबारा ज्वाइन किया है. इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया. अब आपने आई एम श्योर कि आपने पढ़ ली होगी जजमेंट जो 540 सफों की, और अगर नहीं पढ़ी तो कम से कम देख जरूर ली होगी. आपको क्या लगता है सर, तफसीली फैसले के अंदर है क्या, इंटरिम ऑर्डर है वाकई जिस तरह फिरोज साहब कह रहे हैं? फिरोज साहब तो कह रहे हैं इसको इंटरिम ऑर्डर कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि तारीखी फैसला जो 20 साल याद रखा जाएगा, जो सदियों याद रखा जाएगा. अब मैं फिरोज साहब की बात मानूं या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूं, और मैं चूंकि खुद भी कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, तो मैं तो कोशिश करता रहा सारी जिंदगी कानून सीखने की, लेकिन अब कुछ ऐसा वक्त आ गया है जहां पे कि मुझे लग रहा है कि शायद मैंने लॉ को अनलर्न करना शुरू कर दिया. तो अब ये उन्होंने इंटरिम ऑर्डर इसको कैसे कह दिया, और ये जो सारा फैसला है, ये जो ख्याल था कि जी सुप्रीम कोर्ट को बहुत हिस्टोरिक डिसीजन देगा, तो ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि उस तरह का हिस्टोरिक डिसीजन तो नहीं आया. और मुझे नहीं पता कि फरोज साहब की इस पे क्या राय है कि कितना हिस्टोरिक डिसीजन है. लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो मजीद डैमेज हो सकता था एक इंस्टीट्यूशन को, शायद उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है. अच्छा इरफान साहब, हम चूंकि सारे बैठे हुए, मुनीजे भी मेरे साथ हैं, तो एक सवाल वो भी करना चाह रही हैं कि इस जमीन में कंफ्यूजन बढ़ गई है. मुनीजे क्या इरफान साहब, आपने पहले कहा कि अपील का हक नहीं होता 184(3) के अंदर, मगर ये बताइए कि 60 दिन के अंदर ये अगर ले आए और कहें कि जी मनी लॉन्ड्रिंग वजीर आजम साहब ने की है, तो फिर क्या वजीर आजम के वकला को ये हक होगा कि वो उसके मुतल्लिका कोर्ट के अंदर जाएं और ये केस उधर लेके जाएं, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो ट्रायल क्या उधर शिफ्ट हो जाएगा? अभी तो अपील तो कोई फाइल ही ना कर रहा, और इसमें रिव्यू की रेमेडी है, लेकिन रिव्यू भी मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत फाइल करने की फिलहाल. और अगर रिव्यू फाइल कर दिए गए तो फिर तो मजीद मामला तातुल का शिकार हो जाएगा, और फिर तो जीआईटी जो है वो भी आया फंक्शन कर सकेगी नहीं कर सकेगी. ये मुझे तो कुछ लगता है रिजल्टेंट इफेक्ट इस केस का कुछ डॉक्टर अरसलान केस से बहुत मिलता जुलता है, और डॉक्टर अरसलान केस में भी इसी तरह से जीआईटी बना दी गई थी शुरू में, और बाद में जीआईटी का क्या हाल हुआ, और ये बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स जो यहाँ हमारे हैं वो तो कभी भी वो डॉक्टर अरसलान केस को कोर्ट भी नहीं करते, और वो एक किस्म का वो आपस में एक दूसरे को हम देखते हैं और हम हंस देते हैं खामोशी से. और वो एक और फैसला आ गया जिसमें कि जीआईटी का जिक्र आ गया, और ये जीआईटी जो है किस कानून के तहत बनी है ये तो किसी को पता नहीं है. ये फैसले में उन्होंने आया उन कवानीन का जिक्र किया है कि नहीं किया, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा. बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अच्छा इरफान साहब, ये बात सलीम मांडीवाला साहब ने कही कि जीआईटी बननी ही नहीं है, आप आगे की क्या बात कर रही है? मतलब वो इतने कंसिस्टेंटली उन्होंने और कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये बात कहा कि जी बात कही कि ये तो बनने नहींगी नहीं बिल्कुल. तो ये आप सही कह रही हैं कि ये सारा जो फैसला है इसका जो मंतक है वो तो सम टोटल तो यही है कि जो 5 प्रेसिडेंट्स थे, 3 जजों ने उसको फॉलो नहीं किया, और 2 जजेस ने इसलिए फॉलो किया कि उसमें से एक जो जज साहब हैं सीनियर जज साहब, उन्होंने तो ऑलरेडी एक फैसला दिया हुआ था गिलानी साहब के खिलाफ, तो वो तो अपने फैसले के से खिलाफ जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था. तो एक हर जज की एक ईगो भी होती है, तो उस ईगो को भी सेव करना होता है. तो ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो के उससे वो फिलहाल तो निकल गए हैं, लेकिन आखिर कब तक. मगर इरफान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जस्टिस खोसा साहब ने भी नहीं उस बेंच के अंदर थे जहां उन्होंने गिलानी जहां उन्होंने एक फैसला दिया था कि बिल्कुल उन्होंने पिटी द नेशन नज़म पिटी द नेशन एग्जैक्टली जी. मगर इसहाक हाकवानी के केस के अंदर भी उन्होंने एक जजमेंट दी हुई है जहां पे उन्होंने कहा हुआ है कि 62(1)(f) इज नॉट मेंटेनेबल. तो वकला बरादरी या आप जैसे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो इसको कैसे देखेंगे कि पहले उन्होंने जजमेंट दे दी कि 62(1)(f) इज नॉट एप्लीकेबल टू मियां नवाज शरीफ, जब उन्होंने कोई जिसे वो कहते हैं मिसस्टेटमेंट की हाउस ऑफ द फ्लोर के ऊपर, और अब जो उन्होंने 62(1)(f) को इन्वोक किया. एक ये केस है, एक इससे पहले केस है इसहाक खाकवानी साहब का केस है जी बिल्कुल, जो मैंने किया था जी बिल्कुल. वो जवाहर ख्वाजा एक जज होते थे, उनकी गुत होती थी, बोधी वाले थे वो. उन्होंने मैं ये फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये तो एक उनका था कि उनकी मुनफरिद चीज थी.
तो वो 6 माह की उनकी कोशिश रही कि इरफान कादर किसी तरह रोस्ट्रम पे ना आए, और उन्होंने कोई छोटा एक और वकील बीच में ले आया और उसको हर दफा बीच में खड़ा कर देते थे, और वो केस फिर इवेंचुअली 7 जजेस का बेंच बना, और उस बेंच में उन्होंने उस पर कह दिया कि ये सादिक और अमीन का ये जो भी इशू है सारा, ये जितने भी हम इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के इशू में हम नहीं जा सकते, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया, जबकि यही मामले जब आए थे पार्लियामेंटेरियंस के उससे पहले हुकूमत में। सर आप हमारे साथ रहिएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं प्राची साहब, उनके साथ चूंकि उनका हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उनका काफी ताल्लुक है फाइनेंस और इन सारी चीजों से। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप ये JIT का सब लोग कह रहे हैं, अपोजिशन खास करके, ये तो बनने की नौबत ही नहीं आनी, और इरफान साहब भी ये कह रहे हैं कि ये बस ऐसे ही एक मजाक किया गया है जो कि जिस तरह से हुआ है, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा मुखालफत कर दी है, कैसे आप देख रहे हैं कि आगे जाके ये प्रोसीड करेगा 60 दिनों के अंदर अंदर? मैं समझता हूँ कि ये ऑलमोस्ट तौहीन अदालत के जुमरे में आता है कि अगर ये कहा जाए कि जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये जज को फैसलों को कंडेम करते हैं, ये कहा है कि ये मजाक हो रहा है या JIT नहीं बनी, अगर सुप्रीम कोर्ट अदालत उस्मान ने ये फैसला किया है कि JIT बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, और इन्होंने 7 दिन का कहा है, इंशाल्लाह ताला 7 दिन में बनेगी, जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो नॉमिनेट करेंगे और फिर जज साहबान जिन साहब को अप्रोप्रिएट समझते हैं उसको JIT के अंदर लेंगे, उन्होंने खुद अपने जिम्मे काम लगाया है। और मेरा लेकिन मिफ्ता साहब ये कैसे मुमकिन है कि मेरे खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन और मैं ही कहूँ कि फलाना करेगा और फलाना नहीं करेगा, मतलब आई मीन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये JIT जब बनेगी तो इसकी सेहत और इसकी जो मॉरल ग्राउंड के ऊपर इसको जज करना पड़ेगा, तो ये तो सारी अपोजिशन इसीलिए कह रही है प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। जी देखिए ये जो आपकी पॉइंट है ये अपोजिशन ने भी ये इन्होंने उठाया था अपने उसमें, लेकिन कोर्ट ने इसको 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 माने खैज नहीं समझा इस पॉइंट को, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग होंगे वो हम अपॉइंट करेंगे, FIA जो है या SECP या स्टेट बैंक जो है वो एक अफसर नॉमिनेट कर सकती है, उस अफसर को ही डालेंगे जिसकी अच्छी शोहरत होगी, जिसकी न्यूट्रलिटी होगी और जिसको सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि वो मौजू है और वो अप्रोप्रिएट है। मिफ्ता साहब आप खुद माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल मैन है, डिग्निटी है आपकी, अगर FIA का 19 ग्रेड का अफसर या SECP का 18 ग्रेड का अफसर प्राइम मिनिस्टर को तलब करता है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, तो वो क्या मैसेज आएगा? देखिए नंबर एक मैसेज तो ये है कि नोबडी इज अबव द लॉ, अगर हजरत उमर फारूक के बच्चे को हिसाब देना पड़ता है कुर्ते का कि किधर से कपड़ा आया, तो प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को हिसाब देने में कोई बुरी बात नहीं, और नोबडी इज अबव द लॉ, दैट इज मुस्लिम लीग्स पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन थ्रू आउट। कि हमने तो देखिए इस बार भी मियां नवाज शरीफ ने खत लिखा था खुद सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाओ, धरने के दौरान भी उन्होंने खत लिखा था कि कमीशन बनाओ, तो मियाँ साहब तो अपनी 3 नस्लों को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है कल आवाम ने कल भी चकवाल में हमारे हक फैसला दिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के तैयार है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कमीशन या JIT बनाना चाहते हैं, JIT के सामने प्राइम मिनिस्टर और उसके बच्चे कोऑपरेट तो वो करेंगे भी, अब इनके कानून के ऊपर थोड़ी है, मतलब वजीर आजम है लेकिन इस मुल्क के कानून के ऊपर नहीं है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कल अगर एक सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड लोग होंगे, वो ये याद रखिएगा JIT के अंदर जो लोग होंगे वो नॉमिनेट जरूर होंगे इदारों से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड होंगे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर वो अब समझेंगे कि ये अप्रोप्रिएट लोग नहीं है, इनकी न्यूट्रलिटी पे छुपा होगा, वो वापस कर देंगे उनको, आई एम श्योर ऑफ दैट। मगर मिफ्ता साहब एक चीज जरा बताइएगा कि ये क्या सराहियां हो रही हैं कि आप लोग भी अब कुछ पिटिशन सामने लेके आएंगे 62(1)(f) के जरिए और उसको चैलेंज करेंगे, आप कई लोगों की जो सादिक अमीन उनका है उसको आप चैलेंज करेंगे, क्या ये सही है कि आप लोग भी कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ये 60 दिनों के अंदर, कि आप भी पिटिशन सामने लेके आए कुछ अपने मुखालफीन के खिलाफ? देखिए एक हनीफ अब्बासी साहब पिटिशन लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के साथ, जिसको चीफ जस्टिस ने अभी अप्रोप्रिएट नहीं समझा है कि उसकी समाज शुरू करी जाए, और ये बिल्कुल हमारी पार्टी का मौकफ है कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद सिर्फ नवाज शरीफ की जात और नवाज शरीफ के खानदान की अकाउंटेबिलिटी करना मौजू नहीं है, पूरे पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी सियासी लीडरान हो, सियासी लीडरशिप है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, अगर वो 1-2 सालों में करोड़पति से अरबपति हो गए, उनके एसेट्स कुछ करोड़ों रुपए से बढ़ के अरब हो गए, जरदारी साहब के माशाल्लाह के एसेट्स हैं, तो वो भी अगर कौम को बताए तो एक चीज बताइएगा कि अब क्योंकि इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी, और उन्होंने कहा कि 2 जजेस ने कहा है कि वजीर आजम को डी नोटिफाई होना चाहिए, नाअहल होना चाहिए, और साथ उन्होंने कहा है कि आपको इखलाकी जवाब नहीं है
बड़े सीनियर जज है जिन्होंने ये कहा है, और इमरान दोनों ने कहा है कि नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर पीएमएलएन का क्या रिएक्शन क्या है? जो साहब जिन्होंने सरे महल का पाकिस्तान कोर्ट में डिनाई किया कि मैं ओन नहीं करता हूं, लेकिन वहां पर जाके कह दिया कि मैं ओन करता हूं, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया। जिन साहब को स्विस गवर्नमेंट ने, स्विस की कोर्ट ने कन्विक्ट किया था इस केस के अंदर कोटेकना के, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने 11.5 साल कैद भी तो भुगती ना, उन्होंने 11.5 साल कैद भी भुगती है, कोर्ट ने बरी किया और कोर्ट ने बरी किया उनको फिर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरे महल पे इन्होंने यहाँ पर कहा था कि ये मेरा नहीं है, और जब उस कोर्ट में दिया तो तब तो इखलाकी जवाब इनको नजर नहीं आया था इस्तीफा देने का। जब इमरान खान साहब ने सब पूरी पाकिस्तान की सारी कंपनीज को, सारी पूरी दुनिया की इन्होंने ऑफशोर कंपनीज को कहा कि ये इमोरल है और ये पैसे छुपाने के लिए, लेकिन जब इनकी खुद की कंपनी नजर आई तब तो इन्होंने तो किसी चीज का इस्तीफा नहीं दिया। अगर इमरान खान साहब इतने करप्शन के खिलाफ है, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, थैंक यू सो मच, हम आपको दोबारा भी बॉदर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये ट्रांसमिशन चलती रहेगी, आप हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद।